Okay, guys. So, hi guys. This is Dashankar reporting live from wowclass.com. और आज हम हैं हमारे first lecture के ऊपर CA final law for November 22 and May 23 exam. Obviously. फॉर मे 22 तो ये है ही, जो लोग रेगुलर बैच मे 22 के लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो है ही, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नवंबर 22 एंड मे 23. फॉर नवंबर 22 टोटली अपडेटेड ये बैच होगा एंड मे अमेंडमेंट लेक्चर. मे 23 के सभी अमेंडमेंट इसके अंदर कवर किए जाएंगे, सॉरी मे 22 के सभी अमेंडमेंट कवर किए जाएंगे और मे 23 के लिए आई विल गाइड प्रॉपरली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, क्लास शुरू करने के पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, फिर कुछ सिलेबस के बारे में देखेंगे और फिर कुछ आपके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद में हम क्लास शुरू करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हाय टू एवरीवन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हाय टू एवरीवन. दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे. मेरा नाम दर्शन खरे है, मैं बिलोंग करता हूं अमरावती सिटी से महाराष्ट्र में. मैंने CA किया है जून 2009 में बच्चों. मैंने CS कंप्लीट किया है दिसंबर 2010 में. मैंने BCom भी किया है. ठीक है, सो उसके बाद मैंने एक डेढ़ साल तक जॉब किया और काफी लिस्टेड कंपनीज वगैरह के मैंने ऑडिट किए, जैसे स्पाइसर, थर्मैक्स, फिनोलिक्स एक्सेट्रा. और फिर पिछले 10 साल से डेडिकेटेडली मैं टीचिंग पैशन में हूं, रादर देन प्रोफेशन, इट इज वन ऑफ माई पैशन, तो मैं टीचिंग पैशन में हूं. सो आई होप दिस इंट्रो इज क्वाइट सफिशियंट फॉर यू. ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं इसके अंदर ये मेंशन करना चाहूंगा कि आज से हम बैच शुरू करने वाले हैं CA फाइनल लॉ, और ये बैच कितने दिन के रहेंगे, इसके डिटेलिंग्स क्या रहेंगे, ये मैं आपको यहां पे सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा बिना समय को जाया किए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये बैच अप्लीकेबल है नवंबर 22 के लिए. मे 22 ऑब्वियसली इसके अंदर कवर किया जाएगा विद द अमेंडमेंट्स, पर नवंबर 22 विद अमेंडमेंट्स इस बैच के अंदर कवर किया जाएगा. टाइम टू टाइम नवंबर 22 के सभी अमेंडमेंट्स मैं इस क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा ही, एंड में नवंबर 22 के लिए एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट लेक्चर भी होगा. बट जो लोग ये बैच मे 23 के लिए करना चाहते हैं, मे 23 के लिए, उन लोगों के लिए एक सेपरेट अमेंडमेंट लेक्चर उनको देखना पड़ सकता है जो मे 23 की RTP रिलीज होने के बाद आएगा. रीजन क्यों है ऐसा कि आरटीपी रिलीज होने के बाद ही क्यों मैं लेक्चर्स दे सकता हूं, इसके पहले एक बार ऐसा सिचुएशन हुआ था कि मैंने अमेंडमेंट्स पढ़ा दिए, इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में, मैंने समझो फॉर एग्जांपल 80 अमेंडमेंट्स पढ़ा दिए रफली, इंस्टीट्यूट के आरटीपी ने उसमें से सिर्फ 47 अमेंडमेंट्स कवर किए, तो ऑब्वियस सी बात है कि नियरली 33 अमेंडमेंट्स मुझे पूरे के पूरे रिवर्स करने पड़े. इसलिए मे 23 के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए आरटीपी रिलीज होने के बाद ही अमेंडमेंट लेक्चर आएगा. जो नवंबर 22 के बच्चे हैं उनके लिए 90% अमेंडमेंट इन्हीं लेक्चर्स के अंदर कवर किए जाएंगे, और जो बचे हुए 10% अमेंडमेंट है वो आरटीपी रिलीज होने के बाद दिए जाएंगे. और जो मे 22 के लिए बैठ रहे हैं, मे 22, उनके लिए तो ये बैच टोटली अपडेटेड है. थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आरटीपी रिलीज होने के बाद अगर आने वाला है तो आरटीपी हमारी इस बैच के ड्यूरेशन में ही निकलने वाला है, तो हम उसको इस बैच में ही कवर कर लेंगे. तो मे 22 के लिए तो कवर्ड ही है, बट दिस बैच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर नवंबर 22, मे 23, मे 22 ऑब्वियसली ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये चीज को आपने याद रखना. थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी अमेंडमेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक होता है, बच्चे इस टॉपिक को बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करते हैं अमेंडमेंट्स. मैं जब खुद CA फाइनल में था जीवन में तो मैंने अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किए थे. हमारे वक्त ये फैड भी नहीं था या ये अवेयरनेस भी नहीं था कि अमेंडमेंट बहुत ज्यादा काम के होते हैं, बट अभी के बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर है, विच इज अ गुड थिंग. तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हम अमेंडमेंट का करेंगे, थोड़ा बहुत सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्लास रूल्स जो है, उसका हम डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में ही हम आज हमारे सिलेबस के ऊपर जाएंगे. ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर अगले 45 लेक्चर्स रेगुलर एंड 15 ऑप्शनल लेक्चर्स, ये अगर आपको ठीक से कंप्लीट करने हैं बच्चों, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कृपया उसको स्किप मत करना, कृपया इस लेक्चर को बड़े अच्छे से देखना. पूरे अगले 45 लेक्चर्स के डायरेक्शंस आज के लेक्चर में दिए जाएंगे.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि आपने पिछले 5 मिनट मुझे देखा है तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है? जो लाइव स्ट्रीम में इसको देख रहे हैं प्लीज मुझे बताइएगा, जो लाइव स्ट्रीम में बच्चे मुझे देख रहे हैं ग्रुप के ऊपर कमेंट कीजिएगा लाइव स्ट्रीम में जिन्होंने एडमिशन लिया है कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है। यूट्यूब वाले यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है, सो प्लीज मुझे एक बार मेंशन करना। ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर, गुड। दूसरी बात, थोड़ा सा फ्रैंक एटमॉस्फेयर बनाएं, बहुत ज्यादा फॉर्मल एटमॉस्फेयर हो रहा है ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, मैं पहली ये बैच है मेरे जीवन की जब मैं कोट सूट पहन के पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सो अगर आपको देखने में अजीब लग रहा है कि दर्शन सर कोट सूट पहन के पढ़ा रहे हैं तो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि मेरे को भी अजीब लग रहा है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़ी देर बाद ये कोट उतार के रख दूं, सिर्फ कोट उतार के रख दूं और पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है? सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को कोट रख के पढ़ाने की आदत नहीं है, बट इंसान ने हर नई चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, सो आई एम रेडी। पिछले 10 साल में मैंने जिंदगी के अंदर कभी कोट पहन के नहीं पढ़ाया है, मतलब रियली सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर वगैरह, ऐसे जो स्टोरी लेक्चर्स वगैरह है वो सिर्फ मैंने कोट पहन के दिए हैं। मेरे को ये पहनने के बाद ही अजीब फील हो रहा था, ठीक है? सो पहले तो मैं आइस ब्रेक कर दूं कि कम्युनिकेशन में अपने बीच में कोई जीवन में गैप ना रहे। कोट देख के ये मत समझना भाई साहब टीचर बहुत भयंकर है, कोट वोट पहन के आता है, इसका अलग ही लेवल है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है? वो छोड़ के मेरे को बाकी कुछ भी मत पूछना, ठीक है? चल अब जरा सा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में और फिर मैं आपको अमेंडमेंट्स के बारे में यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है? सो लेट्स गो, आर यू रेडी गाइस? जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा। सॉफ्टवेयर में लाइव स्ट्रीम नहीं चल रहा है, यूट्यूब पे ही लाइव स्ट्रीम है। लाइव स्ट्रीम में जिन्होंने एडमिशन लिए हैं उन सब बच्चों को मैं मेंशन कर दूं, पहले 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे ही है, बाद में हम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये डेमो लेक्चर्स है तो ये यूट्यूब पे ही रहेंगे, ठीक है? सो आई गेस लाइव स्ट्रीम में पूछा है बम बम भोले ने, बम बम भोले कैसा नाम है जीवन में? बम बम भोले भाई शिव जी का नाम है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं, बट ऐसा कैसा नाम रखा है ये सवाल है। तो बम बम भोले बेटा, ठीक है, कैसे बोलूं मैं, सो बम्मा बोले बेटा पहले 5 लेक्चर्स डेमो होने वाले हैं यूट्यूब पे, बाद में हम लाइव स्ट्रीम के ऐप पे शिफ्ट होंगे, मैं उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक डायरेक्शंस दूंगा, ठीक है? चल स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है? आर यू रेडी? लेट्स गो। दो चीजें, अच्छा हां एक चीज तो रही गई, एक चीज रहेगी उसको तो मेरे को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई साहब हर क्लास के स्टार्टिंग में मेंशन करता हूं, आज रह गया, क्लास के रूल्स को समझते हैं, ठीक है? सो क्लास के रूल्स को समझते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, गोइंग गुड, ओके। क्लास के रूल्स को समझते हैं, ठीक है? आप ये क्लास लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो, आप ये क्लास जीडी में देख रहे हो, आप ये क्लास पीडी में देख रहे हो, अगर आपको इस क्लास से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर वन मैं साइड में लिख के रखूं, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। रूल नंबर वन, बैच टाइम पे शुरू करना और बैच टाइम पे खत्म करना। हमारा अभी का लाइव स्ट्रीम का टाइम कमिटेड है शाम को 5:30 बजे। मैं डेली, आज हमने फर्स्ट डे था इसलिए 10-15 मिनट लेट शुरू किया, बट डेली हम 5:30 बजे जो बोला है वो समय पे शुरू करेंगे, ठीक है? हमने 5:30 बजे बोला, अगर लाइव स्ट्रीम के ग्रुप में हम डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि हम 5:45 बजे लेंगे, हम 6 बजे लेंगे, तो जो समय बोला है उस समय पर हम क्लास लेंगे। ये टाइम का रूल मैं ये नहीं चाहता सिर्फ लाइव स्ट्रीम को लगे, जीडी पीडी के बच्चे भी कृपया याद रखें कि आप इस टाइम को फॉलो करें। देखो हर एक चीज का बच्चों एक आदत होता है, आपने अगर कई सारे सीरीज वेब सीरीज वगैरह देखे होंगे तो आपने शायद सुना होगा कि 22 दिन में किसी भी चीज की सही आदत लग सकती है। सो जीडी पीडी वालों, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो 3-3.5 घंटे का लेक्चर रहने वाला है, आप एक आपका स्पेसिफिक समय डिसाइड कर लीजिए जिस समय में ही आप ये लेक्चर देखोगे। जब आप स्पेसिफिक प्लेस चूज करते हो, जब आप स्पेसिफिक समय चूज करते हो, स्पेसिफिक एम्बियंस क्रिएट करते हो, तो चीजों को एब्सॉर्ब करना बहुत आसान होता है और आप मैक्सिमम चीजें एब्सॉर्ब कर सकते हो। लाइव स्ट्रीम के बच्चों को तो यह दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि डेली तो उनको मेरे साथ ही बैठना है, बट जीडी पीडी के जो बच्चे हैं मैं उनको सख्त ताकीद देना चाहूंगा, सही समय पर क्लास शुरू करना, एक प्लेस आपकी खुद की डिसाइड करके रखो, उसी प्लेस पर बैठना और उसी प्लेस पर बैठ के ये क्लासेस को देखना और डेली देखना, ठीक है? संडे सैटरडे मैं एग्जम्पशन देना नहीं चाहता, पर तुम लिए बगैर रहोगे नहीं तो बोल के कोई फायदा नहीं है। सो फर्स्ट चीज फॉलो करना, टाइम पे आपने क्लास शुरू करनी चाहिए। सेकंड रूल, आपने, मैं जब क्लास में कुछ टीचिंग कर रहा हूं,
मैं क्लास में कुछ टीचिंग कर रहा हूं, तो आपने पूरा ध्यान सिर्फ मेरे टीचिंग पे देना है, आपने राइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, राइटिंग वगैरह की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपने लिखना वगैरह कुछ नहीं है, मैं जब बोलूंगा तभी आपने लिखना, आपको लिखने के लिए स्पेसिफिक समय देगा। और ये बैच की खासियत तो ये है कि इस बैच में लिखने का काम बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि जितने चार्ट्स मैं लास्ट बैच तक के मेरे क्लास में लिखवा के देता था, वो इस बार हमने सब बुक में ही डाल के रखे हैं। तो हमने 80-90% लिखने का काम खत्म किया है। सो आप सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दो बेटा, कंसेप्ट पे ध्यान दो, मेरे को बस वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ पढ़ाने और कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट तुम्हारे अंदर उतारने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है? सो लिखने का काम मत करना। तीसरा रूल, अगर आप लिखना चाहते हो, खुद के नोट्स मेंटेन करना चाहते हो, तो एक 200 पेजेस का आप रजिस्टर मेंटेन करके रखो। हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ेगी, बट स्टिल मेंटेन करो सेफ साइड कि आपको कुछ खुद के नोट्स अगर आप बनाते हो, तो मेरा पढ़ाना होने के बाद, मेरा कंसेप्ट खत्म होने के बाद में आपने उस 200 पेजेस के रजिस्टर के अंदर चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को जो आपको लगता है लिखना है। मैंने मेरे नोट्स आपको दिए हैं, मैंने मेरा 100% आपको दिया है, बट हर एक पर्सन सेम नहीं रहता, हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं रहती, कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ आलसी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा काम करते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं, तो हर एक का तरीका है और हर एक जन सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, हर एक जन सही है, अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद के नोट्स बनाते हैं और उनको खुद के नोट्स बनाए बगैर कंफर्ट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आई विल अप्रिसिएट। तो आप ये 200 पेजेस के रजिस्टर के अंदर खुद के नोट्स बना सकते हो। ओनली थिंग, मैं जब पढ़ा रहा हूं तब नहीं, ओनली थिंग मैं जब पढ़ा रहा हूं तब नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो 200 पेजेस का एक रजिस्टर आप मेंटेन करो जिसके अंदर आप ओन नोट्स बना सकते हो। हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ेगी अगर आप आलसी हो और टोटली क्लास बुक्स के ऊपर डिपेंड हो, तो जिम्मेदारी मेरी, मैंने क्लास नोट्स में भी जगह छोड़ के रखी है आपके मार्किंग्स के लिए, डोंट वरी। सो आप ओन नोट्स बनाना चाहते हो, ओन नोट्स क्रिएट करना चाहते हो, तो यू कैन गो विद दिस। 200 पेजेस का एक रजिस्टर मेंटेन करो। चौथी चीज, ये मैं बोलूंगा पर कुछ फायदा है नहीं जीवन के अंदर, पर मेरे को बोलना जरूरी है, सेलफोन स्ट्रिक्टली साइड में रख देना। सर मैं सेलफोन के ऊपर ही तुम्हारा लेक्चर देख रहा हूं, तो सिर्फ सेलफोन के ऊपर लेक्चर ही देखना, अलग अलग चीजें मत देखना, क्लियर है? सेलफोन के ऊपर सिर्फ लेक्चर देखना, अजीब अजीब चीजों में मत घुसे रहना, ठीक है? गवर्नमेंट ने सब चीजें बैन करके रखी है, तो सेलफोन के ऊपर सिर्फ लेक्चर देखना, अरे बैन मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह भी मत खोलना, ठीक है? ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, खुद को डिस्टर्ब कृपया ना कीजिए, ठीक है? सेलफोन को साइड में रखिए, ठीक है? नहीं तो यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं और आप लगे हो बाबू सोना पिकाचू में, ठीक है? या फिर आप रील्स क्रॉस कर रहे हो, बादाम बादाम बोले कच्चा बा, नहीं, कंसेप्ट समझ में आया? ये क्लास के बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लियर है? फुल कॉन्सेंट्रेशन फोकस सिर्फ क्लास के ऊपर ही होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, फोकस इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट, फोकस इज नॉट अ क्वालिटी। आप फोकस्ड रहोगे तो चीजों से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्लियर है? सो बी फोकस्ड, सेलफोन बिल्कुल यूज नहीं करना, क्लियर है कंसेप्ट? अगर किसी ने सेलफोन यूज किया और मुझे यहां से पता चला, मेरे पास टेलीपैथी है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं सच्ची बोल रहा हूं, लाइव स्ट्रीम बाकी सब बच्चों को भी पता चलेगा कि मेरे पास टेलीपैथी है, मैं सच्ची बोल रहा हूं, किसी ने अगर सेलफोन यूज किया तो मैं घर आके मारूंगा, सेलफोन छीनूंगा, घर पे खाना खाऊंगा, सेलफोन लेके भाग जाऊंगा और 24 घंटे तक तुम्हारे सेलफोन से चैटिंग भी करूंगा, ठीक है? फिर मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, तुमने ब्रेकअप करवा दिया, क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज को याद रखना, सेलफोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कृपया इसको कंट्रोल कीजिए, ये तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करने के लिए बने हैं, एक नंबर का घटिया आविष्कार है जो इंसान ने किया है, ठीक है? वो 1100 नोकिया वाले सेलफोन मेरे को बहुत पसंद थे, उसमें तकलीफ ही नहीं थी, सिर्फ कॉल आता था, जाता था, मैसेज आते थे, जाते थे, वो सफिशिएंट था, हम कहां आ गए हैं, ठीक है? उसके बाद में फिफ्थ नंबर का रूल बड़े अच्छे से याद रखना, क्वेरीज अगर आपको पूछनी है, क्वेरीज अगर आपको पूछनी है, लाइव स्ट्रीम वाले ड्यूरिंग द बैच पूछ सकते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए है उसके हिसाब से, बट आफ्टर द कंसेप्ट गेट्स ओवर, आपका कंसेप्ट, जब मेरा कंसेप्ट जब पढ़ाना खत्म होता है तो आफ्टर द कंसेप्ट गेट्स ओवर आप क्वेरी पूछ सकते हो, या तो फिर आपके बुक के हर एक पेज के ऊपर हमने क्वेरी नंबर दिया है, वहां मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपका क्वेरी सॉल्व करेगा, जो टीम मेंबर्स अपॉइंट किए हैं दे आर वेल क्वालिफाइड टू एंटरटेन द क्वेरीज, हु आर वर्किंग विथ मी फॉर एटलीस्ट 5 years, सो दे नो मी इन एंड आउट, सो उनको मैं क्या पढ़ाता हूं ये भी पता होता है। आप ये लेक्चर सिर्फ एक बार देख रहे हो, वो लोगों ने ये लेक्चर कम से कम 5 से 7 बार देखे होंगे हर एक लेक्चर, ठीक है? सो क्वेरी आफ्टर द कंसेप्ट पुट करो, या तो फिर अगर आप बाद में पुट करना चाहते हो तो कृपया क्वेरी नंबर के ऊपर ही पुट करो, क्वेरी नंबर आपके बुक में हर एक पेज के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है? रूल नंबर 6,
ये सब मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर बाद में आपको क्वेरी आएगी। आप जब बुक लोगे, कोई भी बुक लोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस मॉड्यूल इज देयर, ठीक है, ये मॉड्यूल के ऊपर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, नीचे ये इकोनॉमिक लॉ का मॉड्यूल है, इसको पीछे टर्न कीजिएगा, रेड कलर में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लेट मी रीड दिस इंस्ट्रक्शंस फॉर यू, क्योंकि आप इसको फॉलो करना नहीं चाहोगे, बट स्टिल लेट मी टेल यू। फर्स्ट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरे मैक्सिमम अपडेट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आते हैं। आपको अमेंडमेंट लेक्चर चाहिए, वंडर रिविजन लेक्चर चाहिए, अपडेट्स चाहिए, कोई सिलेबस में एडिशन डिलीशन चाहिए, सब चीजें यूट्यूब पे चाहिए, और वहां नोटिफिकेशन में जो बेल आइकॉन है उसमें प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए करना। बच्चा मेरे को बोलता है सर आपने अमेंडमेंट लेक्चर दिए नहीं, ये जब बच्चा बोलता है तो 10 दिन पहले लेक्चर अपलोडेड रहता है, सिर्फ उसको नोटिफिकेशन आइकॉन उसने प्रेस नहीं किया रहता, उसने सिलेक्टिव नोटिफिकेशन लिए रहते, तो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करना, आपको सभी बैचेस के अपडेट मिलेंगे। आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा अच्छा सीए फाइनल का है, देख लेना, आपको लगेगा सीए फाइनल का नहीं है स्किप कर देना, देखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मोटिवेशन, पोएम्स, अच्छी अच्छी चीजें मैं यूट्यूब पर डालता हूं, टाइम पास मेरे यूट्यूब पे बहुत कम होता है, एडवर्टीजमेंट भी बहुत कम होती है, ठीक है, सो यू आर सेफ, डोंट वरी। 1.25 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी वहां पे है, आप बढ़ जाओगे, सब्सक्राइबर्स के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं, बट बच्चों को समय पे अपडेट मिले, ये मेरा जिम्मेदारी है, और इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं। दूसरी बात, लेक्चर वाइज स्केड्यूल प्लीज चेक करना कोई भी क्वेरी पूछने के पहले, क्योंकि लेक्चर वाइज स्केड्यूल में मेंशन रखा रहता है कौन से लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तीसरी चीज, कंसेप्ट क्वेरी नंबर वहां दिया है। चौथा, टेक्निकल सपोर्ट नंबर वहां पे दिए है। पांचवा, आपका कस्टमर केयर सपोर्ट जो है वाओ क्लास का, जो बच्चों को सपोर्ट के लिए लगता है, वो भी वहां दिया है। नेक्स्ट, ये बुक आपके हाथ में है तो कृपया आप ट्राई कीजिएगा कि एक साल में बाद आप इस बुक को चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज इन योर हैंड, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा को हो, कुछ हो, बट सीए इज अ फील्ड जहां पे 90% बच्चे फेल होते हैं, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10% पास होते हैं, तो कभी अगर आपको खुदा ना खास्ता बुक चेंज करने की पड़े तो आप May 23 अटेम्प्ट के बाद में ये बुक को कृपया चेंज कर लीजिएगा। मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ पब्लिकेशन बुक या क्लास नोट्स उस वक्त अवेलेबल रहेंगे फॉर सेल, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, क्योंकि उसमें हमारा मेन मकसद होता है सिर्फ कॉस्ट रिकवर करना, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, वो आप ले सकते हो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सभी के सभी याद रखना, ये आपके भले के लिए है बच्चों, सो प्लीज गो विद द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन on last cover page, on back cover page. You understood? साथ में मेरे अगले बैचेस कैसे हो रहा है उसका भी एक शेड्यूल मैंने पूरा दिया है कि साल भर में मैं कब कब कौन कौन सा रिकॉर्डिंग करता हूं, तो ये शेड्यूल से आप दूसरों को भी रेफरेंस दे सकते हो कि दर्शन सर का कौन सा बैच कब होने वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको शायद बहुत ज्यादा बोर नहीं किया इंस्ट्रक्शन के साथ, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड, हाथ जोड़ के विनती है, इनमें आपको टाइम पास करने का कोई मकसद नहीं था, बट ये सभी क्वेरीज हम बाद में एंटरटेन करते हैं, ठीक है, और ये क्वेरीज का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में मुझे इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आपको बोर हुआ होगा तो आई एम वेरी सॉरी, नाउ लेट्स मूव टू सिलेबस, ठीक है, चल, हाँ, एक लास्ट वाला रूल रह गया, माय मिस्टेक, वेरी, सातवां रूल, जैसे यूएस इंग्लिश होता है, जैसे यूके इंग्लिश होता है, वैसे एक और टाइप का इंग्लिश होता है, उसे कहा जाता है डीके इंग्लिश, दर्शन खरेज इंग्लिश, ये अलग लैंग्वेज है, ठीक है, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स को कृपया नजरअंदाज कर देना, मेरे हैंडराइटिंग को भी कृपया नजरअंदाज कर देना, मेरा हैंडराइटिंग बेकार है इसलिए इस बार मैंने सभी हैंडराइटिंग वाली चीजें प्रिंटेड फॉर्म में दिए भाई साहब, ठीक है, तो आप यहां तक के तो समझ गए होंगे कि सर की स्पेलिंग मिस्टेक और हैंडराइटिंग का कोई भी भरोसा नहीं है, तो कृपया इसको नजरअंदाज करना, जैसे यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, वैसे डीके इंग्लिश है, डीके इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है और मैं इसी लैंग्वेज के साथ सीए बना हूं, तो मेरे ऊपर डाउट मत करना, ठीक है, मेरा जब फाइनल, मेरे को याद है मेरा जब इंटर फाइनल का एग्जाम होता था तो एग्जाम के एक महीने पहले से लोग रिविजन करते थे ताकत से, मैं स्पेलिंग्स की रिविजन करता था और एग्जाम के 3 दिन पहले मैं स्पेलिंग लिख के देखा करता था स्पेसिफिकली थ्योरी पेपर में, क्योंकि मेरे स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा मिस्टेक होते थे, ठीक है। सो विथ ऑल दिस इंस्ट्रक्शन आई होप सो आपको समझ में आया होगा, शॉल वी मूव अहेड, सबको इंस्ट्रक्शन ठीक से समझ में आए हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे मेंशन करना, सबको इंस्ट्रक्शंस ठीक से समझ में आए, कमेंट्स प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम, पॉजिटिव नेगेटिव, चलो गुड बेस्ट, ओके, सो शैल वी मूव टू सिलेबस, प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। एक और चीज है आई गेस, मैं जब बोलूंगा लाइव स्ट्रीम के बच्चों को 12-13 सेकंड बाद सुनाई देगा, ठीक है, 10-12 सेकंड का यहां पे लैग रहेगा, सो ऐसा हो सकता है कि बीच में 20-30 सेकंड का हमारा कम्युनिकेशन का गैप रहे, ठीक है, क्योंकि मैं पूछना फिर आपने 12 सेकंड बाद रिप्लाई करना, फिर वो मेरे पास 12 सेकंड बाद आएगा, तो हो सकता है, ठीक है, सो शैल वी मूव अहेड, प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, आई एम क्लियर विद द इंस्ट्रक्शंस, ओके, नाउ लेट्स मूव टू सिलेबस,
ओके, बहुत बढ़िया, सबको शायद समझ में आया है. सो लेट्स मूव टू सिलेबस. हमारा जो सीए फाइनल या सीएमए फाइनल का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस सीएमए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल होता है. सो आई विल ऑल्सो कवर द सीएमए फाइनल हियर ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी इसेंशियल ऑल्सो. सो हमारा सीए फाइनल ऑब्लिक सीएमए फाइनल का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार डिवाइडेड है. सबसे पहले आपको जो पार्ट एप्लीकेबल है वो है कॉरपोरेट लॉ, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो आपको एप्लीकेबल है दैट इज इकोनॉमिक लॉज. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज कॉरपोरेट लॉ, सेकंड पार्ट इज इकोनॉमिक लॉ. आई एम गोइंग वेरी स्लोली बिकॉज सिलेबस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. मैं इसके साथ इसके मार्किंग परसेंटेज भी मेंशन करूंगा. कॉरपोरेट लॉ इज टू बी फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट, बेसिक्स ऑफ कॉरपोरेट लॉ. सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड थर्ड वन, एंड थर्ड वन मिसलेनियस कॉरपोरेट लॉज. ये तीनों के तीनों लॉज आर गवर्न बाय वन सिंगल थिंग दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. इसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे. आई नो ऑलरेडी दिस कि आप इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे, बट स्टिल थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है. कैन एनीवन टेल मी कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? आप सीए इंटर पास होकर आए हो ना, सो प्लीज टेल मी कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने, प्लीज कमेंट. हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द कंपनीज एक्ट? अरे सीए इंटर पास बच्चों, एग्जामिशन जिन्होंने लिया है नालायक हो, प्लीज टेल मी मेरे प्यारे नालायक हो, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कंपनीज एक्ट 2013? कोई बोलने को रेडी नहीं है, मां कसम कैसा जीवन है ये. सीए इंटर पास हो गए ये बोल रहे हैं. हे भगवान, ये देखने से पहले 252. सीएम गुप्ता 252 कब हुए जीवन में? आधा सिलेबस ही गायब कर दिया तुमने कंपनी एक्ट का हमारा. 470 शानदार बेटा पंखुरी, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद. 485 बम बम बोले, नहीं बेटा आगे बढ़ गए थोड़ा सा. आयुष सिंह जबरदस्त, राघव बहुत जबरदस्त बेटा, अनिकेत शानदार. देर आर 470 सेक्शंस इन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. कितने सेक्शंस है? 470. 470 में से कंसीडर किए जाते हैं 1 to 148 आर बेसिक सेक्शंस. 1 to 148 आर बेसिक सेक्शंस जिसमें 10 चैप्टर कवर किए जाते हैं, 10 चैप्टर्स. कितने चैप्टर्स कवर किए जाते हैं? 10 चैप्टर्स कवर किए जाते हैं बेसिक सेक्शंस के अंदर. जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस था, 10 चैप्टर कवर किए जाते हैं बेसिक के अंदर. दूसरा पार्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. यस, ओके. दूसरा पार्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला, विच स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 149 एंड इट गोज टिल सेक्शन नंबर, अगर हम बोले तो सेक्शन नंबर 204 तक इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 205 तक इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 149 से लेकर 205 इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और फिर आता है मिसलेनियस प्रोविजन विच इज फ्रॉम 206 टिल 470. दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट लॉ इज बीन डिवाइडेड. हम कॉर्पोरेट लॉ से आज शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आज मैं सिर्फ, आज हम इकोनॉमिक लॉ से शुरुआत करने वाले हैं, बट आज मैं सिर्फ आपको सिलेबस मेंशन कर रहा हूं. अगर मैं बात करूं सीए फाइनल की, तो आपको बेसिक्स के कुछ चीजें, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिक्स की, वो आपको एप्लीकेबल है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको होली एप्लीकेबल है, एंड मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आपको होली एप्लीकेबल है.
470 सेक्शंस तक के, मतलब सीए फाइनल के बच्चों का सिलेबस अगर मैं बोलूं तो 149 से लेके 470 पूरा कंफर्म है, और कई बार 1 से लेके 148 में से सेक्शंस वो पूछ लेते हैं। अगर मैं बात करूं सीए में फाइनल की, तो इनमें से आपको तीन चैप्टर मतलब 123 से लेके 148 बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है, बाकी पहले वाले प्रोविजंस की इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको एप्लीकेबल है, डायरेक्टर्स नियरली आपको पूरा एप्लीकेबल है, एंड मिसलेनियस कंपनीज एक्ट भी आपको पूरे तरीके से एप्लीकेबल है। तो सीएमए फाइनल वालों के सिलेबस में तीन चैप्टर का एक्स्ट्रा एडिशन है, ठीक है सर। ये दोनों मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मिसलेनियस कंपनीज एक्ट मिलके दोनों मिलके टोटल कितने चैप्टर्स है, तो आई कैन टेल यू सिंपली देर आर थ्री चैप्टर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देर आर 16 चैप्टर्स इन मिसलेनियस प्रोविजंस। छोटे 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 16 चैप्टर्स है, जिसमें से दो तीन डिलीट भी हो चुके हैं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिवली 13 एक चैप्टर्स होंगे मिसलेनियस प्रोविजन के जो आपको अप्लीकेबल है। सो 16 चैप्टर में से दो तीन डिलीटेड है, तो आई गेस देर आर 13 चैप्टर्स विच इज अप्लीकेबल टू यू। सो दिस इज अवर सिलेबस। वापस से मैं एक बार मेंशन कर दूं, बेसिक्स का सीए फाइनल वालों को सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स एप्लीकेबल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 149 से लेकर 205 पूरा एप्लीकेबल है, 206 से 470 पूरा एप्लीकेबल है, सीएमए वालों को तीन चैप्टर 123 से 148 में जो कवर्ड है वो एप्लीकेबल है, डायरेक्टर्स और मिसलेनियस प्रोविजन पूरा एप्लीकेबल है, और बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन 122 के पहले के सेक्शंस का एप्लीकेबल होगा। यह चीज को आपने याद रखना। यह है कॉर्पोरेट लॉ का प्रोविजन, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ सीए फाइनल के लिए, सीए फाइनल के लिए कॉर्पोरेट लॉ का जो टोटल मार्किंग है, टोटल मार्किंग है वो नियरली, आई विल राइट इट हियर, सीए फाइनल के लिए कॉर्पोरेट लॉ का जो टोटल मार्किंग है वो नियरली आता है 60 मार्क्स का एवरेज। सर हमने तो 70 सुना था, नहीं, एक और चैप्टर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको और मार्किंग यहां पे दिया गया है 5-10 मार्क का। सो 60 से 65 मार्क जो मैंने सिलेबस बोला उसमें से है, और सीएमए फाइनल के लिए, सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो यही कॉर्पोरेट लॉ नियरली जो उनके लिए एप्लीकेबल मैंने बोला है वो 50 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन विल गो। आर यू अंडरस्टैंडिंग सिलेबस किस तरीके से है? नाउ लेट्स मूव टू इकोनॉमिक लॉस। एवरीथिंग इज फाइन। Now let's move to economic laws. कि economic laws में हमको क्या 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 applicable है। मैं थोड़ा color change कर लूंगा यहां पर जानबूझ के, so that हम इसको बहुत अच्छे से bifurcate कर पाए। Economic laws is basically divided into two different portions. Economic laws का पहला portion है security law. पहला portion है security law, और economic laws का ही दूसरा portion है other economic laws. सिक्योरिटी लॉ के अंदर आपको दो चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1992 एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है 1956। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको यह याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बाद में आपको यह याद हो जाएगा। एंड अदर इकोनॉमिक लॉज में देर आर डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरस नंबर ऑफ एक्ट्स, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट आते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मैं ईयर नहीं लिखूंगा बिकॉज स्पेस कम है यहां पे, पर ईयर बोलूंगा जरूर 2016, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नाम याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा फिलहाल, ठीक है, दैट इज 1999। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईयर है 2002, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ईयर है 2010, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट, ईयर है 1996। So, इतनी इकोनॉमिक लॉज आपको अप्लीकेबल है। इसके भी एडिशन में अलग अलग सिलेबस में कौन से एडिशनल इकोनॉमिक लॉज है वो मैं बोलूंगा। पहली बात तो सीए फाइनल वाले, हम सीए फाइनल वालों के रो के अंदर अवेलेबल है, सीए फाइनल में अवेलेबल है, तो सीए फाइनल वालों को सिक्योरिटी लॉ अप्लीकेबल है। पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, सीए फाइनल लॉ वालों को सिकरा पहले अप्लीकेबल हुआ करता था, पर लास्ट अटेम्प्ट में उसको डिलीट कर दिया, इसलिए मैं लिख के काट मार रहा हूं, क्योंकि कई सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, सर सिकरा अभी भी एप्लीकेबल है क्या? तो बच्चों नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पहले हुआ करता था, पर अभी आपको एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी आपको एप्लीकेबल नहीं है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? सीए फाइनल को ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सीएमए फाइनल वालों के लिए मेंशन कर दूं तो आपको सेबी और सिकरा दोनों एप्लीकेबल है, बोथ आपको एप्लीकेबल है, तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे।
दूसरा, अगर मैं अदर लॉज की बात करूं जैसे आईबीसी, फेमा, पीएमएलए, एफसीआर, एसीए, तो ये सीए फाइनल को भी अप्लीकेबल है, ये सीए में फाइनल को भी अप्लीकेबल है, वोली इसके एडिशन में सीए में फाइनल को एडिशनल लॉज अप्लीकेबल है जैसे बैंकिंग रेगुलेशंस एंड इंश्योरेंस एक्ट, ये चीजें इनको अप्लीकेबल है। क्लियर है? बैंकिंग रेगुलेशन, इंश्योरेंस एक्ट, ये अप्लीकेबल है, ऑब्वियसली सिकरा तो इनको अप्लीकेबल है ही। सो दिस इज हाउ द सिलेबस इज बीइंग ड्राफ्टेड। लेट मी रिपीट वंस मोर, सिक्योरिटी लॉ में सीए फाइनल को सिर्फ सेबी अप्लीकेबल है, सीएमए फाइनल में बोथ। अदर लॉज के अंदर पांचों के पांचों लॉज ये सीए फाइनल को अप्लीकेबल है, सीएमए फाइनल को भाई साहब पांचों लॉज प्लस दो एडिशनल लॉ और एक सरफेसिया और एक दो छोटे मोटे लॉ सीएमए फाइनल को आ सकते हैं। सो ये मैंने पूरा बाइफर्गेशन आपको ठीक से दे दिया कि किस तरीके से हमारे लॉज एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं तो इनके मार्क्स का वेटेज, तो सीए फाइनल लेवल पे इकोनॉमिक लॉज, जैसे अब सिक्योरिटी लॉ, जैसे मैंने बोला था सिक्योरिटी लॉ ये 5 से 10 मार्क में आता है, ठीक है, दिस इज फॉर सीए फाइनल के लिए। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी लॉ तो 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है, और अदर इकोनॉमिक लॉज जो है, अदर इकोनॉमिक लॉज वो 30 मार्क्स के लिए आते हैं, मतलब 5 topic 30 मार्क के लिए आएंगे, 5 topic 30 मार्क के लिए आएंगे। रही बात सीएमए फाइनल की, तो उसके अंदर सिक्योरिटी लॉ और बाकी सब बचे हुए सभी के सभी लॉज, ये सब मिला के नियरली 25 से 30 मार्क्स के लिए आएंगे। और सीएमए फाइनल के लिए एक और टॉपिक अप्लीकेबल होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं उनके लिए एक एडिशनल लेक्चर दे रहा हूं सिलेबस डिस्कस करने के लिए, कृपया वो देखना, उसके अंदर जरूर समझ में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द सिलेबस इज बी ड्राफ्टेड। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, कॉर्पोरेट लॉ सीए फाइनल के लिए 60 से 65 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है, इकोनॉमिक लॉज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी लॉ ये आपको नियरली 5 से 10 मार्क्स सिक्योरिटी लॉ के लिए, और सीए फाइनल के लिए 30 मार्क्स का सीए फाइनल का इकोनॉमिक लॉ अदर 5 topic वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सीएमए फाइनल वालों आपका लेक्चर एक सेपरेटली देखिएगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसके अंदर मैंने इस चीज को मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं बुक्स की कि आपको इसके अंदर कौन कौन से बुक्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सो बात करते हैं बुक्स की, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको सबसे पहला मॉड्यूल जो मिलने वाला है ठीक है, सो मैं इसको मेन 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, डायरेक्टर्स मॉड्यूल, मिसलेनियस कंपनीज एक्ट मॉड्यूल एंड तीसरा इको लॉ मॉड्यूल, ठीक है। आपको मॉड्यूल्स जो मिलने वाले हैं, आपको एक डायरेक्टर मॉड्यूल मिलेगा रेगुलर वाला, 250 से 300 पेजेस का रहेगा। एक मिसलेनियस कंपनीज एक्ट मॉड्यूल आपको मिलेगा 250 से 300 पेजेस का, और एक इकोनॉमिक लॉ रेगुलर मॉड्यूल आपको मिलेगा जो अभी आपको आई गेस मिल चुका होगा, क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट शिपमेंट, जो जीडीपीडी बाद में लेंगे तो उनको तो सब कुछ एक साथ ही डिलीवर होगा। सो दिस इज इकोनॉमिक लॉ रेगुलर मॉड्यूल, डायरेक्टर और मिसलेनियस कंपनीज एक्ट आपको 10-10, 15-15 गैप के डेज के गैप में मिलेंगे, आपका लेक्चर शुरू होने के पहले आपके हाथ में जरूर रहेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स बुक, एक आपको डायरेक्टर मॉड्यूल के लिए क्वेश्चन आंसर बुक, एक मिसलेनियस कंपनीज एक्ट और एक इकोनॉमिक लॉ के लिए क्वेश्चन आंसर बुक आपको मिलेगा। इन सब का समरी करके आपको एक शॉर्ट एंड वाव या वाव शॉर्ट्स नाम अभी डिसाइड करना बाकी है, ठीक है, मॉड्यूल बन गया है बट नाम डिसाइड करना बाकी है, वाव शॉर्ट्स इस नाम का एक मॉड्यूल मिलेगा, नियरली 250 से 300 पेजेस है, उससे ज्यादा जा सकता है, एक सिंगल मॉड्यूल मिलेगा जिसमें यह पूरे लॉ का सिनॉप्सिस होगा, सो दैट आप लास्ट डे पे वन डे रिविजन में इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ। दिस इज हाउ योर एंटायर मॉड्यूल्स आर ड्राफ्टेड, मतलब आपको टोटल मॉड्यूल मिलने वाले हैं रेगुलर के 3, क्वेश्चन आंसर के 3 और एक वाव शॉर्ट्स। इसके एडिशन में कई बार कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली आपको बेयर टेक्स रेफर करना पड़ता है, इसलिए एक एडिशनल मॉड्यूल मुझे यहां पर एड करना पड़ा सिर्फ बेयर टेक्स के लिए, वो रहेगा बेरेक मॉड्यूल, पर उसमें सिलेक्टेड बेयर टेक्स्ट है, सिर्फ वो बेयर टेक्स्ट, पूरा कंपनीज एक्ट उठा के मैंने नहीं दिया है, सिर्फ वो बेयर टेक्स्ट जो हमारे स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा बेयर एक्ट में उठा के नहीं देने वाला, सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर का बेयर टेक्स्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा जो हम डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। सो ऑल एंड ऑल आपको 8 मॉड्यूल यहां पर मिल रहे हैं, 8 मॉड्यूल्स,
तीन रेगुलर, तीन क्वेश्चनेयर, एक शॉर्ट नोट्स वाला और एक बेयर टेक्स्ट वाला। इनका मैं कलर स्कीम भी बता दूं, पहला मॉड्यूल, पहले तीन मॉड्यूल पूरे कलरफुल है, रेगुलर मॉड्यूल इज टोटली कलरफुल, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कई बार, ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल हाथ में आता है, बच्चा चिल्लाना शुरू करता है, सर मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया तुमने, बेटा कुछ मॉड्यूल ब्लैक एंड व्हाइट ही है। सो रेगुलर तीनों के, तीनों मॉड्यूल कलरफुल है, क्वेश्चन आंसर के मॉड्यूल टू कलर है, टू कलर कोई भी टू कलर हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक लॉ का अगर आप क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल देखो तो ऑरेंज और ब्लू कलर में ड्राफ्टेड है, ऑरेंज कलर में क्वेश्चन, ब्लू कलर में आंसर, तो टू कलर क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल, क्योंकि उसमें कलर की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन है आंसर है, बात खत्म। शॉर्ट नोट्स वाला जो मॉड्यूल रहेगा वाउ शॉर्ट्स, दैट इज कलरफुल, पूरा कलरफुल मॉड्यूल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हर टाइप का कलर आपको उसमें दिखेगा। और बेयर टेक्स्ट वाला जो मॉड्यूल है वो स्पेसिफिकली ब्लैक एंड व्हाइट होगा। लास्ट बैच में मैंने कई सारी क्वेरीज एंटरटेन किए थे, सर बेयर टेक्स्ट का ब्लैक एंड व्हाइट क्यों, बिकॉज बेयर टेक्स्ट ये ब्लैक एंड व्हाइट ही सही है, उसके अंदर हमको मार्किंग करना है, पढ़ना है, उसके इंटरप्रिटेशन आपको कलरफुल मॉड्यूल में मिलेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ये सीए फाइनल के सभी मॉड्यूल्स है, ये सीए फाइनल वालों के सभी मॉड्यूल है। कोई अगर सीएमए फाइनल के लिए कर रहा है तो उसको एडिशनल बुक दी जाएगी, जो एडिशनल इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, कृपया उसको देखना, उसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि कौन सी एडिशनल बुक आपको यहां पे दी जा रही है, ठीक है। सो प्लीज ये चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आई गेस आई एम वेरी क्लियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लियरली सिलेबस भी मेंशन करके रख दिया है यहां पे, और साथ साथ में मॉड्यूल्स भी मेंशन करके रखे हैं, नोट्स भी मेंशन करके रखे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। ये नोट्स किस प्रकार दिखते हैं इसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डेमो लेक्चर करके देख रहे हैं। तो ये नोट्स बच्चों इस प्रकार दिखते हैं, रेगुलर नोट्स, कुछ पैरामीटर्स की ये नोट्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हो इसके पैरामीटर्स मैं आपको मेंशन कर दूं। जैसे ही आप नोट्स के अंदर आओगे तो पहले पेजेस में आपको इंडेक्स दिखेगा, वो इंडेक्स सेक्शन वाइज है, मतलब आपको सीधा किसी सेक्शन के ऊपर जंप करना है, सीधा किसी टॉपिक के ऊपर जंप करना है तो आप सीधा उस टॉपिक पे उस पेज नंबर के थ्रू जंप कर सकते हो। पर जहां चैप्टर शुरू होता है जैसे फेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को बुक यूज करना नहीं आता ठीक से, बच्चों को इतनी अच्छी बुक बना के देते हैं बाद में मिट्टी खाते हैं। सो जैसे पहला चैप्टर आप शुरू करोगे फेमा, तो हमने पूरे चैप्टर को, इसके पहले के बैचेस में यह नहीं हुआ करता था बट इस बैच से यह शुरू किया है मैंने, पहला चैप्टर हमने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है, 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है, छोटे छोटे यूनिट्स बनाए हैं जैसे बेसिक्स ऑफ फेमा, डेफिनेशन, ऐसा हर चैप्टर को हमने यूनिट वाइज डिवाइड किया है इस बार, क्योंकि पूरा चैप्टर एक साथ याद रखना और उसको डिवाइड करके याद रखना यह बहुत आसान होता है, पूरा चैप्टर एक साथ याद रखना काफी मुश्किल जाता है, पर उसको डिवाइड करके याद रखना इट्स क्वाइट ईजी। तो हमने उसको 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको यूनिट 1 दिखेगा, और यूनिट 1 अगर शुरू हुआ है तो यूनिट 1 का टैग आपको हर जगह दिखेगा, आपको हर जगह दिखेगा। आप मेरा कोई भी इकोनॉमिक लॉ का पेज खोल के देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नोट्स, मैंने इसका कोई भी पेज खोला तो मुझे दिखेगा रिजोल्यूशन प्लान यूनिट नंबर 6। अब मुझे देखना है ये किसका यूनिट है, कौन से चैप्टर का यूनिट है, तो आपको पेज के राइट में एक टैग मिलेगा, कलरफुल टैग, जैसे आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, पेज के लेफ्ट में जहां मेक नोट्स का कॉलम है वहां पर आपको टैग मिलेगा। सो आई विल शो यू, जैसे ये यूनिट 1 है और ये फेमा चैप्टर चल रहा है, यूनिट 1 ऑफ फेमा चैप्टर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यूनिट्स चेंज होते जाएंगे, जैसे देखो यूनिट 2 डेफिनेशंस आ गया पर टैग फेमा चैप्टर का ही चल रहा है। सो इफ यू लुक एट द नोट्स वेरी प्रॉपरली, ये नोट्स है, इसको अगर आप दिख रहा है यहां पे, इफ यू लुक एट द नोट्स वेरी प्रॉपरली, हर चैप्टर का कलर कोडिंग किया है। जैसे आप देख सकते हो दिस रेड वन इज फॉर फेमा, दिस ब्लू वन इज फॉर आईबीसी, उसके बाद में हर चैप्टर का, ब्लू वन इज फॉर आईबीसी, फिर एफसीआरए के लिए ग्रीन वन है, पीएमएलए के लिए पर्पल है, और ग्रे वन इस फॉर स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट। तो अगर आपको सीधा उस यूनिट में जम करना है बिना बुक खोले, आपको लगता है कि यूनिट 3 मैंने आईबीसी का खोलना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना, ब्लू आर एरिया खोलना एंड यू विल बी नियर टू यूनिट 3। क्लियर है? सो दिस इज हाउ ये नोट्स ड्राफ्ट किए गए हैं। यूनिट वाइज डिवाइड करने के पीछे का मकसद यह था कि आप जब चाहो उतनी इजिली इस बुक को यूज कर पाओ। एडिशनली मैं बुक के बारे में यह भी बोलना चाहूंगा, आपके बुक में हो सकता है, इकोनॉमिक लॉ में तो है, डायरेक्टर्स वगैरह में या मिसलेनियस कंपनीज एक्ट में नहीं रहेगा, पर हर यूनिट के बाद, हर चैप्टर के बाद कुछ चार्ट्स हमने इसके अंदर दिए हैं। दो तरीके से आप इन चार्ट्स को यूज कर सकते हो। ड्यूरिंग द क्लास ये चार्ट्स कृपया बुक में ही रहने दे, जब आप क्लास देख रहे हो ये चार्ट्स बुक में ही रहने दे, क्योंकि इन चार्ट्स की कभी भी मुझे जरूरत पड़ सकती है पढ़ाने के लिए, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चार्ट है, ये तो छोटा वाला था भाई साहब, ये तो छोटा वाला था, अगर आप आईबीसी का चार्ट देखोगे तो फटके हाथ में आ जाएगी, सॉरी मतलब बोलू तो सी दिस, ये चार्ट लंबा है, मेरे को टेंशन ये चार्ट खोलने के पहले ये आ रहा है कि मैं इसको वापस कैसे रखूंगा,
ठीक है। ऐसा चार्ट आपके बुक में ऑलरेडी है, ये मास्टर चार्ट है आईबीसी का, जिसके अंदर पूरा आईबीसी कवर कर दिया है मैंने, पूरा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इन दिस सिंगल चार्ट, दिस इज हाउ इट इज डन। तो एक चीज मैं आपको यह जरूर मेंशन करना चाहूंगा बच्चों, बड़े अच्छे से आपने इसको याद रखना कि ये चार्ट ड्यूरिंग द लेक्चर आप बुक में ही रहने दे, मुझे इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, या अगर आप स्पेसिफिक रूम वगैरह में पढ़ते हो तो वहां ये चार्ट आप टियर कर सकते हो बुक में से, और वहां ये चार्ट आप आपके दीवार वगैरह में चिपका के पेस्ट करके रख सकते हो, विच अल्टीमेटली विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बट ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप इसको रहने दो, बोला ना मेरे को टेंशन आ जाएगा इसको वापस रखने का, सो बट आई विल सजेस्ट यू ड्यूरिंग द लेक्चर्स प्लीज कीप दिस इन द बुक बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। ठीक है, और उसको वापस फोल्ड करके, इसको फोल्ड करके बुक में देने की पीछे की इच्छा यह थी कि जब भी बच्चा रीडिंग रूम को बुक कैरी करता है तो वो चार्ट कैरी नहीं कर सकता था, बट अब वो चार्ट भी रीडिंग रूम में कैरी कर सकता है इफ ही विश सो। ठीक है, सो इस बुक के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छे से ये बुक दी है, बट मैं एक चीज आपको वापस से मेंशन करूं, हम कितना भी बुक पढ़ ले, मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूं, ये बुक मैंने बनाने के बाद में, डिजाइनर ने डिजाइन करने के बाद में 3 बार प्रूफ रीड हुई है, कम से कम 3 बार, 2 बार प्रोफेशनल लोगों के हाथ से, 1 बार नॉन प्रोफेशनल पर्सन के हाथ से जो सिर्फ इंग्लिश चेक करता है, 3 बार ये बुक प्रूफ रीड हुई है, बट स्टिल देर आर 1% चांसेस कि इस बुक के अंदर एरर्स आए, बिकॉज जब आप 1500-2000 पेजेस का कंटेंट ड्राफ्ट करते हो तो ऑब्वियस ये बात होती है कि 1% एरर इसमें आ सकते हैं, जिसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूं, ये इंटेंशनल नहीं थे, बट मैं जरूर यह बोलूंगा कंसेप्चुअल एरर्स बिल्कुल नहीं रहेंगे, और अगर एक आधा रहेगा भी तो भी मैं उसको क्लास में क्लियर कर दूंगा, बट इस वजह से बुक को कृपया मत कोसना, 10 साल की मेहनत है जब हम यहां पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर नोट्स, बहुत अच्छे से बनाए हैं, कृपया इसको बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। वेदर आई एम क्लियर विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस, नोट्स कैसे यूज करने आपको समझ में आया, मैं आपको चाहिए तो लिखने के लिए थोड़ा सा फिलहाल समय दे दूं, जो मैंने सिलेबस वगैरह आपको मेंशन किया यू कैन राइट देम डाउन। ठीक है, आप सिलेबस लिख सकते हो, सिलेबस लिखते लिखते कृपया मुझे कमेंट करके बोलना कि आपको सभी सिलेबस, उसके मार्किंग्स, ये सब चीजें आपको क्लियर है या नहीं है, प्लीज टेल मी। ठीक है, लिखना हो जाए तो कृपया डन कर दीजिएगा, प्लीज लिखना होने के बाद डन आप लिख सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच लाइव वाले बच्चों। इलेक्टिव भी कवर होगा क्या, इसके ऊपर मैं मेंशन करूंगा, जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा, एक बार आप लिख लेते हो तो मेंशन करूंगा इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आप कैसे ले सकते हो मेरा, और उसमें क्या क्या कवर होगा इलेक्टिव का। हिमांशु थैंक यू सो मच, पंखुरी, हिमांशु, दिशा, राघव, कृतिका, थैंक्स गाइस, जिन्होंने नाम नहीं रखा है खुद के नंबर को, जैसे मैं नंबर का नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो पब्लिक हो जाएगा, वो कृपया खुद के नंबर को नाम दे दे, सो आई कैन कॉल यू बाय नेम, थैंक्स रीमा।
लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज। ओके गुड, आई गेस 5-7 लोगों का लिखना हुआ है तो सबका हुआ होगा। आपको मॉड्यूल्स भी लिखने हैं कौन कौन से, तो यू कैन ऑल्सो नोट देम डाउन, दिस विल बेनिफिट यू, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी। श्योर डन गाइज। शॉल वी मूव? बहुत बढ़िया। सो आई एम क्लियर आई गेस विद द सिलेबस एज वेल एज द नोट्स। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स अमेंडमेंट्स। मैं अगले इंस्ट्रक्शंस जो दे रहा हूं अमेंडमेंट के इंस्ट्रक्शंस है, बहुत अच्छे से नोट करके रखना। ठीक है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अमेंडमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेरीज हमको आते हैं जो हम हमेशा सॉल्व करते हैं। एक बार बैठ जाऊं मैं। सो अमेंडमेंट के इश्यूज में यहां पर सॉल्व कर दूं, प्लीज अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि अमेंडमेंट कैसे आते हैं, ठीक है, और अमेंडमेंट होते क्या है। When we were at the CA final, तो हमें अमेंडमेंट नाम का वर्ड भी नहीं पता था, उतना अवेयरनेस ही नहीं था। मैं दाद देना चाहूंगा आज के बच्चों को, अभी के स्टूडेंट्स को, उनकी दाद देना चाहूंगा, दांत निकाल के भी देना चाहूंगा आपको कि आप इतने अवेयर हो कि आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता होता है, एंड इट्स रियली अप्रिसिएबल। बट सिर्फ तकलीफ मुझे इस बात से है कि अमेंडमेंट आते कैसे है, इसके लॉजिक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते। एंड वेन हाफ नॉलेज इज देयर, ऑब्वियसली इट डज नॉट डैमेज अदर पर्सन, इट ऑलवेज डैमेजेस अस। वो खुद को ही डैमेज करता है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हैजार्डस, आपने कहीं जरूर सुना होगा। सो लेट मी टेल यू अबाउट अमेंडमेंट्स, कि अमेंडमेंट कैसे आते हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर लॉ, इट यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस इन DT IDT बोथ द केसेस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप DT IDT के टीचर को भी अमेंडमेंट्स के बारे में पूछो, तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। आई गेस इसके पहले आपने सुनी होगी, तो थोड़ा रिपीट हो जाएगा, बट इट इज वेरी इसेंशियल। लेट्स टेक टू एग्जाम्स। हम अटेम्प्ट्स नहीं बोलते, हम एग्जाम्स बोलते हैं, क्योंकि हम देने सिर्फ एक ही बार वाले हैं। सो लेट्स टेक टू एग्जाम्स, लेट्स से नवंबर 22, मई 23, क्योंकि हम ये दोनों एग्जाम को ही कवर कर रहे हैं सिर्फ। क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी नवंबर 22 को कौन से अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होते हैं? एनीवन नोज द ब्रेकिंग डेट, कट ऑफ डेट? कट ऑफ डेट वी कैन से स्पेसिफिकली, जो हां जहां तक के अमेंडमेंट्स नवंबर 22 वालों को अप्लीकेबल होते हैं। एनीवन कैन कमेंट एंड टेल मी प्लीज। एनीवन, कोई कट ऑफ डेट अमेंडमेंट का जो आपको पता होगा? आई एम वेटिंग। यूट्यूब पे भी बच्चे बोल सकते हैं इफ यू विश सो।
व्हाट इज कट ऑफ डेट? नहीं पता होगा तो आप नहीं भी बोल सकते, सर बिल्कुल नहीं मालूम जीवन के अंदर क्या बोल रहे हो, आप कौन से लैंग्वेज में बोल रहे हो, ये भी बोल सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 6 months पहले तक के, बहुत बढ़िया, शानदार। 30th अप्रैल, गुरप्रीत, बहुत बढ़िया। 31st मई, नाउ सी, सिर्फ चार आंसर आए और चारों अलग अलग आए हैं। सी दिस इज द हाफ नॉलेज इज हजार। ऑब्वियसली उसमें से एक बंदे का नॉलेज बहुत सही है, उसका सही, गुरप्रीत है गॉट द राइट वन, बाकी सबके आंसर्स इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, सो लेट मी टेल यू किस तरीके से अमेंडमेंट आते हैं। नवंबर 22 अगर आपकी एग्जाम है तो आपको अमेंडमेंट अप्लीकेबल होते हैं 1 नवंबर के 6 महीने पहले के पहले वाले अमेंडमेंट्स, मतलब 30th ऑफ अप्रैल 2022 तक के अमेंडमेंट्स ये नवंबर 22 के लिए अप्लीकेबल होंगे। देखो कितना जरूरी है बताना, 5-6 आंसर आए और सब अलग अलग आए, ठीक है, इसलिए जरूरी है ये बताना। सो 30th अप्रैल 2002 तक के अमेंडमेंट्स, 2022 तक के अमेंडमेंट्स नवंबर 22 एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है। इन द सेम वे मैं इसको थोड़ा सा साइड में निकालना चाहूंगा, 31st अक्टूबर 2022 तक के अमेंडमेंट्स ये अप्लीकेबल होते हैं मई 23 के लिए। समझ रहे हो? और अभी हम जो बैच रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तो शुरू हो गए भैया फरवरी में, अप्रैल तो अभी आना बाकी है, तो नवंबर 22 के अमेंडमेंट आएंगे कहां से? तो हमने भले ही फरवरी में शुरू किया है बट टेंटेटिवली हम अप्रैल तक के, हमारा 10 अप्रैल तक के शायद ये बैच चलेगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा 99% अमेंडमेंट क्या है, राइट? इसमें भी तकलीफ होती है, 30th अप्रैल तक के जितने भी अमेंडमेंट्स, 30th अप्रैल तक के जितने भी अमेंडमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स बोलता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बोलता है, ये तो सब आपके अथॉरिटीज है ना, जो आपको लॉज अप्लीकेबल उनके अथॉरिटी, एमसीए फॉर कंपनीज एक्ट, आरबीआई फॉर फेमा, आरबीआई एट द सेम टाइम फॉर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई फॉर पीएमएलए ऑल्सो, सो आईबीबीआई फॉर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। तो डिपार्टमेंट 30th अप्रैल तक के जो भी अमेंडमेंट आपको बोलता है वो सब आपको नवंबर 22 को जैसे के वैसे अप्लाई होने चाहिए आपके सिलेबस वाले। पर बात इतनी आसान होती तो बात अलग ही थी। डिपार्टमेंट ने समझो यहां पे अमेंडमेंट बोल दिया, भाई साहब हम बोल रहे हैं 100 अमेंडमेंट्स, तो बात इतनी आसान नहीं होती। बात बिल्कुल नहीं, बात की तकलीफ यहां से शुरू होती है कि इन 100 में से फिल्टर हो जाता है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन अमेंडमेंट को फिल्टर करते हैं और बोलते हैं इसमें से 60-70, फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, हाँ ये फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, किसी ने मेरे को पूछना मत कि सर नवंबर 22 के लिए 100 अमेंडमेंट्स है क्या, नहीं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। तो 100 में से ICAI ने बोले सिर्फ 60 ही अप्लीकेबल है भाई साहब, ICAI ने बोले सिर्फ 70 ही अप्लीकेबल है भाई साहब, तो अब क्या करोगे? यही तो केस हुआ था जब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया था, मेरे भाई, मेरी बहन सो जब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017, 98 अमेंडमेंट्स बोले गए थे, 98 मैंने सब पढ़ा दिए भाई साहब। बाद में इंस्टीट्यूट बोलता है अरे ये अटेम्प्ट में तो इसमें से सिर्फ 47 अमेंडमेंट्स वगैरह अप्लीकेबल है, मतलब आप बात सोचिए, उसमें से 80 अमेंडमेंट सीए फाइनल के थे, मेरे को 33 अमेंडमेंट सीए फाइनल लेवल पे रिवर्स करने पड़े, 80 में से 47 अप्लीकेबल कर दिया, 33 बोले पूरे ये अगले अटेम्प्ट में लाएंगे। इसीलिए अच्छा ये इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट कहां बोलती है, इधर इंस्टीट्यूट इसके लिए कुछ नोटिफिकेशन इशू करती है, या इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं मिला तो इंस्टीट्यूट आरटीपी तो इशू करती ही है, और ये ऐसा होता है भाई। इसीलिए मुझे कॉशियस रहना पड़ता है कि चलो आपको फ्रेंकली बताओ तो आज सवेरे अगर अमेंडमेंट आया होगा ना डिपार्टमेंट के साइड पे, तो इतना जिम्मेदारी तो मेरा है मैं शाम तक के तुमको वो पढ़ा सकता, जिम्मेदारी बोल रहा हूं, मेरा वर्चस्व नहीं बोल रहा, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट ये मैं बोल रहा हूं कि एज अ टीम वी आर अपडेटेड कि आज सवेरे अगर अमेंडमेंट आया तो शाम तक के मैं आपको वो पढ़ा सकता हूं, क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहा हूं,
बट नहीं पढ़ा सकता इसी रीजन की वजह से, क्योंकि अगर 100 अमेंडमेंट आए और इंस्टीट्यूट ने 60 बोले और मैंने अगर 100 पढ़ा दिया तो 40 रिवर्स करने पड़ेंगे, जो बहुत तकलीफदायक है। तो सर अब क्या करें? आप 30 अप्रैल अभी आई नहीं है, आप बोल रहे हो 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट अप्लीकेबल है, उसको तो अभी समय है, ऊपर से आपने बैच भी शुरू कर दी है, नवंबर 22 को फुल्ली अमेंडेड बैच बोल रहे हो आप ये। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस बैच में, इन दिस बैच वी विल कवर 90% ऑफ द अमेंडमेंट्स जो मुझे कंफर्म है जो आने ही वाले हैं। मतलब जब इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करती है, अब 10 साल से ये सोच सोच के एक एक्सपीरियंस आ चुका है कि इसमें से इंस्टीट्यूट क्या लेगी क्या छोड़ देगी, तो 90% दिस बैच विल बी अपडेटेड फॉर नवंबर 22। आपकी जब नवंबर 22 की आरटीपी रिलीज होगी, जब इंस्टीट्यूट रिलीज करेगी या नोटिफाई करेगी, तब हार्डली 10-1% अमेंडमेंट होंगे जो आपको सेपरेटली यूट्यूब के ऊपर विद पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। सर कब मिलेंगे 10% जो अमेंडमेंट कब मिलेंगे? सो मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें से 90% अमेंडमेंट्स आर कवर्ड इन दिस बैच। इस बैच में 90% अमेंडमेंट कवर्ड है भाई साहब। जो बचे हुए 10% है उसके लिए मैं नवंबर 22 वालों के लिए डेट बोलना चाहूंगा 10 सितंबर। अगस्त में इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज करती है, कभी अगस्त के स्टार्ट में, कभी मिड में, कभी एंड में, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। तो अगर अगस्त के एंड में इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज करती है तो मुझे सोच समझ के नोट्स बना के आपको देने के लिए 10 सितंबर तक का समय जरूर लगेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया क्लियर है? तो अमेंडमेंट देने आपको नहीं है। बच्चों को सबसे बड़ा टेंशन रहता है सर ने अमेंडमेंट नहीं दिए, देने नहीं, मैं खुद रख के करूंगा क्या? सोना है वो कि जमा करके रखूंगा, तिजोरिया भरूंगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को जीवन में, एफडी है? नहीं बेटा। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरे काम में अटका हूं, जिंदगी का एक ही काम बचा हुआ है अभी मेरे पास, टीचिंग, वही करता हूं और दिल खोल के करता हूं, तो मैं क्यों खुद के पास अमेंडमेंट? उल्टा मैं खुश रहूंगा। आप सोचो मैंने आपको अमेंडमेंट दे दिया, मेरा टेंशन गायब, क्वेरीज खत्म, बट नहीं कर सकता, गलत गाइडेंस हो जाएगा और गलत बोल नहीं सकता। इसलिए कृपया इस चीज को अच्छे से लॉजिकली समझिएगा। समझ में आया? सेम चीज मई 23 वालों के लिए भी अप्लीकेबल होगी, सेम चीज होगी, कुछ नहीं कर सकते, सेम होगी। सो मई 23 वालों का तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 90% अमेंडमेंट इस बैच में कवर्ड रहेंगे, ठीक है? बट हाँ, जब नवंबर 22 वाली 31 अक्टूबर के आसपास अगर आप ये बैच ले रहे हो, 31 अक्टूबर वगैरह के अंदर आप बैच ले रहे हो, सितंबर अक्टूबर में अगर आप मई 23 वाली ये बैच परचेस कर रहे हैं, अभी जो परचेस किया है, अभी जो लेक्चर्स देख रहे हो और आप सितंबर अक्टूबर में नहीं हो, आप उसके पहले हो, तो आप अर्ली प्रिपरेशन वाले हो, ऑफ कोर्स, जो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको डिनाय नहीं करना चाहता। कुछ बच्चे एक साल पहले से पढ़ते हैं जो बहुत अच्छी बात है। तो जो बच्चे मई 23 के लिए बैच ले रहे हैं, ये ऑलरेडी परचेस कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर के पहले, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा बिफोर सितंबर अक्टूबर आप अगर ये बैच परचेस कर रहे हो तो आपने नवंबर 22 के लिए जो मैं 10% अमेंडमेंट डिक्लेयर करूंगा कृपया वो देख लीजिएगा, और मई 23 के लिए आपको सेपरेट अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप आफ्टर सितंबर अक्टूबर या इन बिटवीन सितंबर अक्टूबर ये बैच परचेस करते हो, ठीक है, सितंबर अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स, तो मैं आपको यह बोल सकता हूं आपको 90% अमेंडेड बैच मिलेगा, क्योंकि यह बैच हर 6 महीने में अपडेट होता है और जो अमेंडमेंट आते हैं वो टाइम टू टाइम हम सही जगह पे प्लेस करके, नोट्स भी समय सही जगह पे पेस्ट करके हम इसको रिलीज करते हैं, री रिलीज करते हैं। रिकॉर्डिंग साल में एक बार होता है, अपडेशन एक बार होता है, ठीक है? सो 90% अमेंडमेंट आपके इस बैच में कवर्ड रहेंगे, स्टिल एडिशनली 10% अमेंडमेंट आफ्टर आरटीपी आपको मिलेंगे। सो ये मैंने अमेंडमेंट्स के बारे में बोल दिया, और ये मैंने दिल से बोलता हूं, जो जेन्युइन है वैसा बोला है। आपको कुछ गलत समझाना इसलिए नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब फेस किए हैं। इसमें सफरिंग सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, टीचर का भी होता है। मैं एज अ टीचर भी, मेरा सफरिंग होता है, आप एज अ स्टूडेंट तो होता ही है, आपकी तो जिंदगी इस चीज के ऊपर डिपेंड है, तो इस चीज में मैं गलती नहीं करूंगा। सो दिस इज अ जेन्युइन कंसर्न। अमेंडमेंट्स कैसे आते हैं, कैसे अप्लीकेबल होते हैं, इसके लॉजिक ही बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते। सो ये बताना जरूरी था, ये इसेंशियल था। सेम चीज आप केस लॉस के लिए भी ले लीजिए कि भैया आपको कौन से केस लॉ एप्लीकेबल है, तो 30 अप्रैल 2022 के पहले के, मेनली वो जो इंस्टीट्यूट जो बुलेटिन जारी करती है, मंथली बुलेटिन, उसके अंदर वो केस लॉज मेंशन करते हैं, तो बुलेटिन पढ़ा कीजिए, ठीक है? तो वो केस लॉज आपको अप्लीकेबल होंगे 30 अप्रैल के पहले के फॉर नवंबर 22 एंड मई 23 के लिए 31 अक्टूबर के पहले। आई गेस आई एम वेरी क्लियर विद दिस। आपको अगर ये समझ में आया है
एक सवाल आया है दिशा का, सर हाउ इंपॉर्टेंट आर अमेंडमेंट्स फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो डिस्कशन मैंने आपको बोला है, ये डिस्कशन के ऊपर आपके कम से कम 10 से 15 मार्क डिपेंड है बच्चों, 10 to 15 मार्क्स आपके इस डिस्कशन के ऊपर डिपेंड है। सो कृपया ये डिस्कशन को सीरियसली लीजिएगा, और किसी ने, अगर मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट नहीं भी है, तो उनमें ये अवेयरनेस कृपया क्रिएट कीजिएगा। वो भी समदुखी ही है, आपके ही भाई बंधु है, वो भी ऐसे ही आए हैं कि एक सवाल पूछा और 6 अलग अलग आंसर आ गए, वो भी ऐसे ही होंगे। सो कृपया उन तक भी पहुंचाइए कि भैया अमेंडमेंट ऐसे आते हैं, सो हैवॉक क्रिएट नहीं होगा। मुझे ये चीज का बहुत खुशी होता है कि स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट अमेंडमेंट्स, बट मुझे ये चीज का दुख भी होता है भाई साहब कि हाफ नॉलेज है, और हाफ नॉलेज की वजह से कई सारे बच्चों में इतना हैवॉक हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले फ्रस्ट्रेशन लेना इज क्वाइट रिस्की थिंग बच्चों। सो कृपया इस चीज को याद भी रखिएगा और इस चीज को फैलाइएगा भी प्रॉपरली कि इस चीजों को, नॉट ओनली फॉर लॉ, भले ही मेरा नाम मत बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पर सही समय पे स्टूडेंट अगर अवेयर रहे तो उसको प्रेशर कम होता है, उसका हैवॉक कम होता है, वो सही तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, सो प्लीज राइट दिस डाउन, दिस इज वेरी इसेंशियल। समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। लिखना हो जाए तो कृपया डन कर दीजिएगा प्लीज। श्योर, डन एवरीबन? इतने जल्दी भी डन भी हो गया? पढ़ाते वक्त लिख रहे थे क्या? नालायक बच्चों,
बहुत बढ़िया, लिखना हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो यहां पे आपका अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन भी पूरे तरीके से क्लियर हुआ। इफ एनीवन इज हैविंग एनी फर्दर डाउट्स वो मुझे ग्रुप के ऊपर पूछ सकता है, प्लीज आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम यहां पे अब बेसिक कंप्लीट करते हुए हमारे लेक्चर और कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आज हम बेसिक्स ऑफ लॉ का पूरा कंटेंट देखेंगे। सो अगर आपको सिलेबस वगैरह के बारे में कोई डाउट है, नियरली 1 घंटा हमने इसके ऊपर दिया है, तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज टेल मी, तो हम हमारे सिलेबस और कंटेंट लेक्चर के ऊपर बढ़ जाए। एवरीबडी प्लीज टेल मी। वेलकम बेटा के विद्या, बहुत बढ़िया जो यूट्यूब के ऊपर सेशन अटेंड कर रहे हैं। कोई दिक्कत है तो कृपया पूछ लीजिए, आई एम वेटिंग। ओके, इकोनॉमिक लॉ 6D इकोनॉमिक लॉ का किसी ने मुझे पूछा था, यस लेट मी क्लियर विद दिस। थोड़ा सा 6D इकोनॉमिक लॉ का भी ज्ञान दूंगा, क्योंकि रीजन ये है कि नॉर्मली जो मुझसे लॉ पढ़ता है, देर आर 80-90% चांसेस कि वो इकोनॉमिक लॉ भी मुझसे ही पढ़ेगा, और उसमें एडवांटेज भी है ये भी मैं बोलूंगा, और वो स्कोरिंग भी है ये भी मैं बोलूंगा, ठीक है। रीजन है आपके 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो 6D इको लॉ भी हम लेते हैं। 6D इको लॉ के अंदर एक्चुअली 6 लॉज है, इनको 6 लॉज बोलो या 6 चैप्टर्स बोलो, सिनॉप्सिस में मैं बोल दूंगा, आप इसको भी ले सकते हो। ये 3 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइडेड है 6D इकोनॉमिक लॉ। पहला पार्ट है जिसके अंदर 3 चैप्टर्स है, फेमा, आईबीसी एंड पीएमएलए, ठीक है। और ये 6D इकोनॉमिक लॉ में फेमा, आईबीसी, पीएमएलए एप्लीकेबल है, और ये कॉमन है, अभी मैंने यहां ऊपर लिखा था ये कॉमन है ग्रुप 4 लॉ में, मतलब ये जो हमारी बात चल रही है इसमें फेमा, आईबीसी, पीएमएलए इन डिटेल होगा, थ्रू आउट होगा, एकदम चीर फाड़ के होगा, वो जैसा का वैसा इधर इकोनॉमिक लॉ में अप्लीकेबल है। मतलब भाई साहब 100 मार्क में से आपके 50 मार्क जो है वो तो कंफर्म है, 50 मार्क आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वो भी बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, और बचे हुए एडिशनल एक्ट जो है वो है कंपटीशन, बेनामी प्रॉपर्टीज एंड रेरा, ये 3 लॉज है, ठीक है। इन 3 लॉज का चलो मान लो 50 मार्क्स है, बट एक्चुअली 6D में हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वहां इंटीग्रेटेड केस स्टडी आता है, और ये 3 एडिशनल लॉज पढ़ने के लिए आपको 15 लेक्चर्स लगते हैं एट मैक्स, और इनके ऊपर का एडिशनल 1 से लेके 2 लेक्चर्स मैक्स, मतलब ये 2 लेक्चर्स और ये 15 लेक्चर्स, टोटल 17 लेक्चर्स आप एडिशनल देख लो, और यूट्यूब के ऊपर मतलब 17 लेक्चर एडिशनल देख लो तो आपका कंटेंट खत्म। और यूट्यूब के ऊपर मैंने अभी 10 केस स्टडीज अपलोड करके रखी है, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, नियरली 20-25 मिनट एक केस स्टडी के ऊपर 10 केस स्टडीज अपलोडेड है, और 10-20 केस स्टडीज यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी, 50 केस स्टडीज की आपको बुक मिलेगी इसमें, 50 केस स्टडीज की बुक, जिसमें से 25 केस स्टडीज में यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करूंगा, 25 आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो आप ये 15 और 2 मेन लेक्चर्स, 17 लेक्चर्स देख लो तो आपका एक और सब्जेक्ट 100 मार्क का प्रिपेयर हो जाएगा। आपको ऑप्शनली केस स्टडीज देखने आप यूट्यूब से चेक कर सकते हो, अभी भी यूट्यूब के ऊपर 10 केस स्टडीज अप्लीकेबल है। सो 100 मार्क का पूरा सब्जेक्ट 17 लेक्चर्स में आप एडिशनली कर सकते हो, चलो मैक्सिमम 20 लेक्चर्स में आप एडिशनली कर सकते हो, और ये स्कोरिंग है इकोनॉमिक लॉ में अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स। मुझे भी बिलीव नहीं होता क्योंकि लॉ में इतने ज्यादा मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है, रेगुलर पेपर 4 लॉ में तो नहीं आते, वहां हाईएस्ट 83-85 तक के है, इकोनॉमिक लॉ का 92 हाईएस्ट मार्क है, 92 6D ऑप्शनल इकोनॉमिक लॉ का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, 92 विच इज वेरी स्कोरिंग, ग्रुप 2 के सभी सब्जेक्ट को लेके बाहर निकल सकता है। सो ये भी मैं आपको यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो पेपर 4 लॉ मुझसे पढ़ रहे हैं उनको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे टाइम टू टाइम, अगर आप हमारे टीम को कॉन्टेक्ट करते हो तो, क्योंकि लॉ आपने ऑलरेडी मुझसे पढ़ा है, ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो कृपया पूछ लीजिए। ये एडवर्टीजमेंट भी हो गया इकोनॉमिक लॉ का, मार्केटिंग। ओके, करना नहीं था, पूछा इसलिए किया, नहीं तो मैं तो भूल गया था, मैं तो आगे बढ़ गया था। एनीवन एनी मोर क्वेश्चंस और डाउट्स प्लीज। ओके,
ओके, लॉ क्लास कब तक चलेगा? ये किसी ने तो भी पूछा है। सिक्स डी अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल टू सी एम ए, सो डोंट वरी, सी एम ए को सिक्स डी अप्लीकेबल नहीं होता है। सिक्स डी ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है सी एम ए में। हमारे 45 है, ये जो रेगुलर क्लास है हमारी, ये जो चल रही है, इकोनॉमिक लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज अवर रेगुलर क्लास। 45 रेगुलर लेक्चर्स है जो कंपलसरी है, जो आपको देखने ही है। 45 से 50 रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे, 15 ऑप्शनल लेक्चर्स है। ये 15 ऑप्शनल लेक्चर्स क्या है, तो लेट मी टेल यू, इसके अंदर क्वेश्चन ईयर, वन डे रिविजन्स, कोई अपडेशंस, थोड़ा बहुत लास्ट दो तीन क्वेश्चन पेपर का डिस्कशंस, आरटीपीज, एमटीपीज, ये डिस्कस किया जाएगा। अगर आप 15 एडिशनल लेक्चर देखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो ऑप्शनल लेक्चर्स है, बट 45 रेगुलर कंटेंट लेक्चर देख के भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। 15 ऑप्शनल इसलिए क्योंकि कुछ लोग वो खुद करना चाहते हैं और कुछ लोग वो मेरे साथ करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्शनल, बट रेगुलर कंटेंट लेक्चर 45 से 50 ही रहेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है किसी को? लॉ का पेपर सर इस बार आउट ऑफ बॉक्स था, पेपर डिस्कशन मैंने लॉ का डाला है, या आगे आएगा तब आपको समझ में आएगा। आउट ऑफ बॉक्स पेपर तब लगता है जब प्रिपरेशन और राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत तकलीफ होती है। सेम टीचर जो आपको लॉ पढ़ाता है, अगर वो पेपर थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकता है, दैट मींस आप भी कर सकते हो अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करो। और अगर पेपर पूरा आउट ऑफ बॉक्स होता है तो बच्चे रैंक्स में क्यों आते हैं, बच्चे एग्जामिशंस कैसे लाते हैं? आई गेस आज ही रिजल्ट लगा है, 4 से 5 बच्चे अभी तक नोटिफाइड रैंक में है, कल तक और 4-5 बढ़ जाएंगे, 10-12 बच्चे रैंक में तो कम से कम रहेंगे। और कम से कम मैं बोल सकता हूं, कम्युनिकेशन हो या ना हो, पर 30 से 40 बच्चे एग्जामिशंस में जरूर रहेंगे, ज्यादा ही पर कम नहीं। ठीक है, मतलब कई बार तो 100-100 बच्चों तक के एग्जामिशंस, तो ये फिर कहां से आते हैं एग्जामिशन अगर पेपर आउट ऑफ बॉक्स है तो। ठीक, सो ये मैं मेरे एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं तुमको मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं कि ऐसी चीजें नहीं होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पेपर पूरा आउट ऑफ बॉक्स है। आई कैन अंडरस्टैंड 10-12 मार्क का, 15 मार्क का आउट ऑफ बॉक्स हो सकता है, बट नॉर्मली 70-80 मार्क्स का पेपर ये फ्रॉम द सिलेबस होता है, एंड टू गेट पास्ट 70-80 मार्क्स आर इनफ, आर मोर देन इनफ। अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करो, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो 70-80 मार्क्स में ही आपके 50 निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीज को मैं आपको मेंशन, उसमें से भी 50 मार्क का पेपर नॉर्मली देखा हुआ आता है। इट इज जस्ट दैट कि आप क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बोलूंगा ड्यूरिंग द बैच, तो आपको आइडिया आएगा कि आप पहले क्या प्रिपेयर कर रहे थे और अभी आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है सर, टेस्ट होगी क्या क्लास के साथ? क्लास के साथ टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे एज वी आर ऑन द वर्चुअल्स, बट हां आपको टेस्ट पेपर जरूर दिए जाएंगे 3, एक आपको कंपनीज एक्ट का, एक इकोनॉमिक लॉ का, और एक फुल कोर्स सिलेबस टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, या डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन तीनों भी अलग अलग पेपर हो सकते हैं, पर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और उसके मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे। इफ पॉसिबल वो मॉडल आंसर्स और उसका राइटिंग हम ऑप्शनल लेक्चर्स जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आप वो टेस्ट दे रहे हो तो आप इमीडिएटली ऑप्शनल लेक्चर्स देख के खुद को करेक्ट कर सकते हो कि आपने टेस्ट पेपर में क्या लिखा है। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबडी? सभी इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? प्लीज टेल मी। लाइव बैच है क्या सर? ये लाइव ही तो चल रहा है, लाइव स्ट्रीम, अभी इससे ज्यादा क्या लाइव होगा? सीएम गुप्ता, दिस इज द लाइव स्ट्रीम ओनली, और इससे ज्यादा फेस टू फेस अगर पूछना चाहते हो तो फेस टू फेस फिलहाल नहीं है, ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस वी आर नॉट श्योर कि ये बैच के वक्त क्या हो रहा था। सो जब डिक्लेयर किया तो हमने इसको लाइव स्ट्रीम में ही किया, अगली बैचेस हो सकता है जो हम फेस टू फेस में लेने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, सो एक एग्जम्पशन इकोनॉमिक लॉ का रौनक का, वो तो ग्रुप में ही है, लाइव स्ट्रीम के ग्रुप में, उसने 6D हमसे लिया था, वो लॉ लेने लेके आए हैं। थैंक यू सो मच बेटा रौनक, ठीक है, और उसको आज ही आएगा एग्जम्पशन आया होगा, आज ही उसका रिजल्ट लगा होगा, तो कांग्रेचुलेशंस रौनक बेटा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ठीक है, चलो दूसरी बात, आपको अगर ये लगेगा कि मैंने आज बोला कि 4-5 रैंकर्स हैं मेरे आगे, 8-10 हो सकते हैं, तो पहले मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूं, क्योंकि मार्केट में इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बोली जाती है, तो फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू इन द फर्स्ट लेक्चर, रैंकर्स अलग ब्रीड है, उनका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। ये जितने भी होर्डिंग्स बैनर्स हम बनाते हैं, इट जस्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन मैं तो पूरे 50 रैंकर्स को करना चाहूंगा, भले ही वो मुझसे पढ़े हो या ना हो, क्योंकि वो ब्रीडी अलग है, वो कैटेगरी है अलग है भाई, उनका क्रेडिट टीचर ने लेना ही नहीं चाहिए, गलत ही है,
कभी रैंकर्स का टीचर ने क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उनकी मेहनत ही अलग। मैं खुद मेरे जीवन में रैंक नहीं ला पाया तो मैं उनका क्रेडिट कहां से लूंगा। हाँ, पास लेने होने का क्रेडिट मैं ले सकता हूं कि तुमको अगर मैं पास करवा दूं, 40 के ऊपर पास करवा दूं, तो उसका क्रेडिट जरूर मैं लूंगा, ठीक है। बट रैंकर्स और अबव 70 वाले जो स्कोर होते हैं, इट्स नॉट माई क्रेडिट, इट्स टोटली यूर एफर्ट्स एंड आई रियली अप्रिसिएट दैट, ठीक है। सो कभी भी तुम ऐसा कुछ सुनो जीवन के अंदर कि मैंने ऐसे कुछ कांड कर दिए या बात चली रही थी रैंकर्स वगैरह की, तो प्लीज मत मानना कि मैंने ऐसे कुछ किया है, ठीक है। चलो, आई गेस वी आर वेरी क्लियर विद दिस। नाउ व्हाट शॉल वी डू, हमारा सब बेसिक डिस्कशन हो चुका है, कंटेंट में मूव करने के पहले वी विल हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। चाय पानी कॉफी कुछ भी पी लो, फटाफट 10 मिनट के अंदर इमीडिएटली वापस आ जाइए। वी विल स्टार्ट विथ अवर बेसिक कंटेंट लेक्चर। बेसिक कंटेंट लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, यह आपको लॉ क्या होता है यहां से शुरू हम करेंगे, एग्जैक्टली लॉ क्या होता है यहां से शुरू करेंगे, इवन फाउंडेशन के पहले का सवाल, ठीक है, वहां से हम शुरू करेंगे और अगले 45 दिन में आई होप सो वी विल बी मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है। सो प्लीज हैव अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, देन विल मूव फॉरवर्ड, गो फॉर इट।
ओके, सो प्लीज कम बैक एवरीबडी, ब्रेक खत्म, सो प्लीज कम बैक, वी हैव टू मूव अहेड. प्लीज कम बैक. कॉन्टैक्ट अगर किसी को चाहिए है, जैसे सूरज मंडल ने प्रेजेंट किया, कॉन्टैक्ट चाहिए, सो आप wowclass.com के ऊपर विजिट कर सकते हो. ठीक है, वहां पे आपको सेल्स सपोर्ट टीम के सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, डोंट वरी. चलो सब जना वापस आ गए. चलो शैल वी स्टार्ट गाइस. ओके, अब आएगा मजा. पूछो क्यों? क्योंकि अब यहां से हमारा बेसिक लेक्चर शुरू होने वाला है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली इज द लॉ, हाउ लॉ इज मेड, व्हाट इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर द लॉ. हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये लॉ हमारे जीवन में आके ग्रुप वन में 100 मार्क जिंदगी के लेके जा रहा है, ग्रुप टू में 60 बन के 100 मार्क जीवन के लेके जा रहा है, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ये अभी हम चेक करने वाले हैं लॉ के साथ में. क्लियर है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत बेसिक से यहां पे लेके जाना चाहूंगा. मैं बोला मैं कोट उतार के रख दूंगा जीवन में, क्योंकि कोट से परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है, तो थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैसा अच्छा दिखना पड़ता है जीवन में. कैसा, जब तक आदमी अच्छा दिखे नहीं ना तो कोई सुनता तो है नहीं. सो अच्छा आदमी को अच्छा दिखना पड़ता है, क्या करे. पर अभी आ जाते हैं थोड़ा सा अपने वाली पे. ठीक है, सो अभी हम देखने वाले बेसिक्स ऑफ लॉ. अभी जो मैं चीजें आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा और शायद कल के हाफ लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये सब चीजें आपको फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने के पहले ही पता हो जानी चाहिए थी. यू शुड हैव नोन ऑल दिस थिंग्स बिफोर इवन स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द फाउंडेशन. बट पॉसिबिलिटी ये है कि आपने फाउंडेशन में इन चीजों को नहीं पढ़ा, तब जाके यहां पे मेरी जरूरत महसूस होती है मुझे कि मैंने आप इन चीजों के साथ वर्स करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें समझे बगैर अगले 45 लेक्चर्स मैं तो कंडक्ट नहीं कर सकता. जिनको पता ही नहीं लॉ क्या होता है, जिनको यही नहीं पता अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको यह नहीं पता कि लॉ शुरू करने के पहले कौन सी तीन चार चीजें हमने पढ़नी चाहिए, ये जिनको पता ही नहीं, उसको लॉ कैसे पढ़ाओ. सो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली लॉ इज. थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं जाता हूं, एज हिस्ट्री डिसाइड्स द लॉ. दुनिया का सबसे पहला लॉ अगर मैं बोलूं तो यह बनाया गया था इजिप्टिशियन लोगों के तरफ से. जो इजिप्ट के लोग रहते हैं ना, इजिप्ट ममीज वाले, मम्मी वाले नहीं, ममीज वाले जो लोग हैं, उन्होंने सबसे पहला दुनिया का लॉ बनाया था. इजिप्ट वाले लोगों ने लॉ इसलिए बनाया था क्योंकि उनको बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने थे और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन मैनेज करनी थी. दुनिया में ऐसा कोई इजिप्ट छोड़ के कंट्री नहीं है जो उस जमाने में पिरामिड जितने बड़े स्ट्रक्चर क्रिएट कर पा रहा था या उस जमाने में इतनी अच्छी सोसाइटीज प्रस्थापित कर पा रहा था. वो ये इसी वजह से कर पा रहा था क्योंकि उन्होंने लॉज बनाए थे. 3000 BC में, बीसी गाली नहीं है, बीसी इज बिफोर क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था वो पीरियड, वहां जन्म से लेकर डेथ तक के पीरियड को गोल्ड टाइम कहते हैं, गोल्डन टाइम. हम फिलहाल है 2022 AD आफ्टर डेथ. ठीक है, एंड बीसी इज बिफोर क्राइस्ट. क्लियर है? सो 3000 साल जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले इजिप्टियन लोगों ने लॉ बनाया था, उसको इंप्लीमेंट किया था, उसको बुक के फॉर्म में लिखा हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को पढ़ाया भी था. और ये लॉ उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया था सोसाइटी में इक्वेलिटी, इंपार्शियलिटी, ये चीजों को कम करने के लिए. फिर अभी के डेट पे हम सीधा आते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री तो आपको बोल नहीं पाऊंगा, वरना 4 लेक्चर इसी हिस्ट्री में चले जाएंगे. आज के डेट में हमारे देश के लॉ के बारे में बोला जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है.
दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन विथ 444 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल मीन्स सेक्शंस, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है 444 सेक्शंस के साथ, 12 शेड्यूल्स के साथ एंड मोर देन 1,17,000 वर्ड्स इसके अंदर लिखे गए हैं। द ग्रेट पर्सन हु हैज ड्राफ्टेड दिस इज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, और फिर थोड़ा बहुत अलग अलग क्लॉजेस अलग अलग लोगों ने इसमें ड्राफ्ट किए। सो दिस इज दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। किसको पता था? सीए फाइनल लेवल पे आ गए हम, पर हमको यही नहीं पता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में बड़ा है। यहां से तो शुरुआत है। तो चलो अब इतना हो ही गया है, और फाउंडेशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही है, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, फिर इंटर पे आके कंपनीज एक्ट के 148 सेक्शन पढ़े हैं, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, सीएसवीएस वाला होगा तो फैक्ट्रीज मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमेंस कंपेंसेशन, और अब सीए फाइनल में आ रहे हैं जिसके अंदर फेमस एबी सिकरा, कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरडीआई, सरफेस, आईबीसी है या नहीं। तो मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, इतने सारे लॉज आपने पढ़ लिए, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? लॉ मतलब क्या? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं। कोई मरीज है उसको डिसीज है, मरीज है उसको डिसीज है, मैं उसकी ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं उसके सिम्टम भी नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है। When I ask what is law, I mean to ask you what is a disease, जिस वजह से ये law आया है। Can anyone tell me what is a disease? Please comment and tell me कि disease क्या है, ये law क्या होता है? Please tell me the disease. Anyone? फटाफट comment करके बताइए। I am waiting. What is a disease? अंकुश ने लिखा है prevent damages। ये नालायक बच्चा, ये मेरे लेक्चर देख के जरूर आया है, डेमो लेक्चर इसने पहले कहीं तो भी देखे है। सो प्लीज टेल मी, मैं सबसे अच्छा क्लास का एक और रूल, रूल नंबर 8, मैं जो भी सवाल पूछूंगा मेरे को जवाब चाहिए। मैंने कल तुमको पूछा गधे को पैर कितने, तुमने 5 बोला, मेरे को कोई दुख नहीं है, तुम पढ़ने के लिए आए हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस 5 को कंसेप्चुअली 4 पे कैसे लाऊं, ठीक है? तो तुम बिंदास बोलो, कुछ भी बोलोगे चलेगा, पर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, ठीक है? और बोलना कंपलसरी है, अगर जिसने नहीं बोला उसको उसके बाबू सोना पिकाचू की कसम, याद रखना कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बाबू सोना पिकाचू, जिसने नहीं बोला उसको बाबू सोना पिकाचू की कसम, फिर वो निपट गया, मेरे को मत बोलना, ठीक है? ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, तुमको आंसर देना पड़ेगा। तो भैया आंसर आए हैं और सबने आंसर, देखो सिंपल सी बात है भाई साहब, लॉ चल रहा है लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, बहुत सिंपल सी चीज है। लॉ बनाया है इंसान ने, इंसान ने लॉ बनाया होगा तो कुछ लॉजिक रख के बनाया होगा, ठीक है? ऐवे ही नहीं कि एक दिन बैठा था, भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, परम ज्ञान प्राप्त हुआ और लिख दिया भाई साहब ये लॉ है। परम ज्ञान प्राप्त होता है तभी भी लॉजिक होता है, इसमें तो जरूर होना चाहिए। तो इंसान ने अगर लॉ लिखा है, इंसान ने अगर लॉ लिखा है तो लॉजिक तो होगा। हमारा काम यह है एज ए टीचर वो लॉजिक को रखना, तो प्रोविजन अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ट्रिगर द लॉजिक, गेट द प्रोविजन, सिंपल एज दैट। लॉजिक ये ट्रिगर है, गोली ये प्रोविजन है, जो गोली निकलेगी वो प्रोविजन है। So, आपको आंसर देना पड़ेगा, जब तक आप गलत आंसर नहीं दोगे आपको मैं सही नहीं कर सकता, और आप सही आंसर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सो टेल मी व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डैमेजेस, प्रीडिफाइंड रूल्स, केओस, नालायक लोग जो डैमेज डैमेज बोल रहे हैं, कंफर्म मेरा लेक्चर देख के आए हैं नालायक चीटर पॉक लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी को इक्वालिटी हो, इसलिए बाबू सोना नहीं है तो सर तो तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, एक्स वाई जेड की कसम, सेट ऑफ रूल्स। ओके, नाउ जिन लोगों ने, जो लोग ये आंसर सोच रहे हैं, देखो मेरे को, मैंने बोला था मेरे को टेलीपैथी है, जो लोग ये आंसर सोच रहे हैं टू मेंटेन डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, इक्वालिटी बनी रहे, जो लोग ये आंसर दे रहे हैं इक्वालिटी बने रहे, डिसिप्लिन रहे, मैं एक सिंपल लॉ का एग्जाम्पल देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में इक्वालिटी है? मुझे तो नहीं लगता। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, बट जब आप जॉब करोगे सीए का, 15-20-50 लाख कमाओगे, मेरी दुआ है करोड़ों में कमाओ, करोड़ों में, अब्जों में कमाओ, इतना कमाओ कि आपको सरचार्ज लग जाए। सो आप इनकम टैक्स में हो और आप तगड़ा कमा रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा,
और जो गरीब आदमी है 5 लाख के नीचे कमा रहा है उसको कोई टैक्स नहीं। कहां है इक्वालिटी? वेर इज इक्वालिटी बताओ? वुमन प्रोटेक्शन कंट्रोल के कई सारे लॉज है, मेन प्रोटेक्शन का कोई लॉ नहीं है। हमने क्या पाप किया जीवन में? रस्ते पे ट्रैफिक के ऊपर लड़की उछल उछल के किसी लड़के को मारती है, हमने क्या बिगाड़ा है किसी? बताओ मुझे किसका क्या बिगाड़ा हमने? हमारे प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं है, सब वुमन प्रोटेक्शन के लिए। कहां है इक्वालिटी? है मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना। कहां है इक्वालिटी? जो ये बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, हिमांशु नालायक सब बोल दो, लेक्चर यही खोल दो आप पूरा का पूरा, देख क्या आए सब। सो इक्वालिटी होनी चाहिए, कहां कहां है इक्वालिटी? नहीं है। तो फिर लॉ क्यों बनाया गया? लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो व्हाट इज लॉ, हम ये समझ रहे हैं व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड, ये समझ रहे हैं। हम स्टोन एज में रहते थे, समझो हम कहां रहते थे, स्टोन एज में। स्टोन एज में हमारे पास दो पैर थे, 11 नंबर की गाड़ी, किधर भी जीवन में चलना है तो हम चलते थे, खड़े रहते थे, जरूरत पड़ी तो भागते थे, शिकार करनी है तो भाला लेके भागते थे, है ना। स्टोन एज से हम आगे बढ़े, हमने बैलगाड़ियां बनाई, घोड़ा गाड़ियां बनाई। आपने देखा होगा बैलों को, घोड़ों को खुद का दिमाग होता है, बहुत रेयरली कभी आपने ऐसा देखा होगा कि बैलगाड़ी चलते चलते एकदम से किसी दूसरे बैलगाड़ी को या किसी दूसरे गाड़ी को टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, बहुत रेयरली होता है। घोड़ा गाड़ी चलते चलते किसी को टकरा गई, हाँ बैलों के बीच में झड़प होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइट, बट नॉर्मली ट्रैफिक सेंस के अंदर कभी आपने बैलों को या घोड़ों को भिड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको खुद का दिमाग है, वो किसी से भिड़ते नहीं है, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े, फिर हमने मोटर व्हीकल लाई, अभी तो ईवी का जमाना आ चुका है, हमने मोटर व्हीकल लाई, अभी तो ईवी का जमाना है। पर मोटर व्हीकल को खुद का दिमाग नहीं होता, आजकल कुछ ऐसे मोटर व्हीकल निकल रहे हैं जिनको खुद का दिमाग है, वॉल्वो हो गए, टेस्ला हो गए, ये सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है, आगे कोई डेंजर आया गाड़ी चुपचाप बंद हो जाएगी, तुम चाहे कितना भी एक्सेलरेट करो। पर जब तक वॉल्वो टेस्ला जैसी गाड़ियां नहीं थी, तब तक के आदमी के हाथ में जब गाड़ी आई तो आदमी कैसे भी चलाता था, कैसे भी। गाड़ी चलाने के हजार तरीके हैं, हजार हजार टाइप से आदमी गाड़ी, कितने सारे वीडियोज इसके ऊपर लॉन्च हुए हैं, अजीबो गरीब। तो आदमी गाड़ी चलाता था, और आदमी जब गाड़ी चलाता है तो डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है। जैसे पुणे की बात करता हूं मैं, पुणे में एक रोड बड़ा फेमस है, जो लोग पुणे से बिलोंग करते हैं या पुणे में आके रह चुके उनको पता होगा, FC रोड। ना मतलब ऐसा नहीं कि वहां झाड़ वाड़ वगैरह ज्यादा, बट वहां हरियाली बहुत है, झाड़ वगैरह नहीं है, हरियाली बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। हाँ, वहां झाड़ वगैरह नहीं है, वहां हरियाली बहुत ज्यादा। वो रोड से कोई गुजरता है ना तो आगे ध्यान दे ही नहीं सकता, सब आजू बाजू में ध्यान रहता है, ठीक है। ऐसा आपके सिटी में भी एक आधा रोड होगा, जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका सिटी और आपका रोड कौन सा है, पता तो चले जीवन में। कभी आपके सिटी में आऊं, मेरे लिए नहीं, मेरे कुछ नालायक स्टूडेंट रहते हैं ना तो मेरे को पूछते रहते हैं, सर बताओ ये सिटी में हूं क्या चाहिए, कहां घूमना है बताओ जरा। तो आपकी सिटी और रोड जरा कमेंट करना जीवन में और बताना कि ऐसा हरियाली वाला रोड कैसा है। आदमी KTM ले लेता है और KTM के ऊपर जब ड्राइव करना शुरू करता है तो नजर इधर उधर पूरी है। तो भाई साहब जब आदमी गाड़ी चलाता है तो कैसे के कैसी चलाता है, और गाड़ी चलाते चलाते उसको अगर नजारा दिख जाए, वाह वाह हरियाली, या फिर उसको और अच्छा नजारा दिख जाए, हे भगवान, या उससे भी अच्छा, रे 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 रे, हे हे हा हा, क्या देख दिया भगवान। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक जाम तो होगा ही होगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी बाकी सब चलती रहेगी। और ये एक्सीडेंट के वजह से आदमी एडमिट होता है ICU में। जरूरी नहीं है आपने जिसके साथ एक्सीडेंट किया वो भी एडमिट हो सकता है, और ट्रैफिक जाम के वजह से लोगों का समय जाया होता है, विच इज टोटली रॉन्ग। अब आप अगर देखो, लोगों ने यहां नाम भी MG रोड गुरगांव, क्या बात है, बहुत घूमते हो बेटा। सर योर एग्जांपल ऑफ मोटर व्हीकल नालायक हिमांशु, मुंबई घाटकोपर पार ईस्ट, मुंबई में तो मरीन ड्राइव भी है मैंने सुना है, CIT मैं गया भी हूं, मतलब CITCO रोड इन चंडीगढ़, वाह वाह वाह, ये लोग है जो असली ड्राइविंग में इंटरेस्टेड वाले लोग है। सो जब भाई साहब आप ICU में एडमिट होते हो, जब आपका समय वेस्ट होता है, तब जाके हम लॉ बनाते हैं, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988।
आप जो रोड साइंस पढ़ते हो ना, जितने भी रोड साइंस होते हैं, आगे क्रॉस रोड है, नो एंट्री, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ये सब इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में बनाए हैं। इसको कई सारे लोग जनरल पार्लांस में ट्रैफिक कंट्रोल लॉ भी बोलते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल लॉ का नाम का कोई लॉ नहीं है, इट इज इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। आप जो सिग्नल के ऊपर भी खड़े रहते हो वो इसी के अंदर मेंशन किया गया है। हालांकि दुनिया में सिग्नल के मीनिंग अलग अलग है। बाहर के देशों में सिग्नल का मीनिंग होता है रेड मतलब स्टॉप, ऑरेंज मतलब भैया रुकने की कोशिश कर लो पूरी, ग्रीन मतलब गो। हमारे यहां सिग्नल की मीनिंग बहुत ही अलग है, कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं हमारे यहां। ग्रीन का मतलब होता है गो, ऑरेंज का मतलब होता है लेट्स गो फास्ट, लेट्स गो फास्ट, और रेड का मतलब होता है पहले रुको देखो, इफ देयर इज नो मामू लेट्स गो। है ना, इंडिया में लॉ के मीनिंग ही अलग होते हैं। इंडिया में लॉ बनता ही टूटने के लिए है जीवन में। और फिर आजकल सीसीटीवी में फोटो निकलते हैं, गवर्नमेंट ने टारगेट देके रखा है, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको सबको बैठा दिया है सीसीटीवी पे और उनको दे दिया है भाई साहब टारगेट कि आपको जितने ऐसे लोग दिखे जो सिग्नल तोड़े उनकी फोटो खींच के रखो, उनके ऊपर फाइन मारो, और एक दिन इमीडिएटली आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर 10,000 रुपए का फाइन है। ये इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में ही होता है। Are you understanding what I am saying? ये होता है लॉ। तो एक्चुअली सर कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो सर? मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं, लॉ ये डैमेज के वजह से आता है और डैमेज ये सिचुएशन के वजह से होता है। लॉ ये डैमेज, आपको आईसीयू में एडमिट किया, सामने वाले पार्टी को आईसीयू में एडमिट किया, दिस इज अ डैमेज। आपका समय व्यस्त हुआ, आपका समय बेकार हुआ, दिस इज अ डैमेज, और ये डैमेज सिचुएशन के वजह से हुआ। सिचुएशन क्या थी कि आपने गलत गाड़ी चलाई। मैं मानता हूं मेरा एग्जांपल हो सका एकदम फालतू है, हो सकता है मेरा एग्जांपल एकदम कॉमेडी है, जो सीरियस टाइप के लोग हैं उनको एग्जांपल भले ही बुरा लगा हो, पर कंसेप्ट समझने की कोशिश करना भाई साहब, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से डैमेज है। और लॉ इसलिए बनाया जाता है कि डैमेज खत्म ना करे, सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, सो दैट डैमेज बने ही ना। सिचुएशन ही नहीं रहेगी, डैमेज कहां से होगा? देर इज नो सिचुएशन, देर इज नो डैमेज, सिंपल एज दैट। इसको हम लॉ कहते हैं। सो मेरा कहना क्या है, मैं इस सब का क्या देख या क्या सिनॉप्सिस क्या बोलना चाहता हूं, द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन से। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग खाली नहीं है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खाली नहीं है, करप्ट जरूर हो सकते हैं पर खाली नहीं है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खाली नहीं है, वो बनाने के लिए लॉ नहीं बना रहे। द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, सिचुएशन लॉ का डिमांड करती है। देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ, हर लॉ के पीछे हिस्ट्री है भाई साहब। इफ यू रीड द हिस्ट्री थरोली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर। इसलिए कोई भी लॉ पढ़ाने के पहले मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, सो दैट आपके दिमाग में एक प्रिपरेशन हो जाए कि ओके ये लॉ इस वजह से आया है। लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते, लॉ पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं समझेगा कैसे समझ सकता है? जिस सिचुएशन में वो लॉ बना, जिस सिचुएशन की वजह से लॉ बना, सिचुएशन नहीं पता आपको तो आप क्या पढ़ लोगे लॉ? आगे फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द लॉ विच विल कम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिस्ट्री। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो डिट्टो हिस्ट्री से है। एक्चुअली तो सभी लॉ 100% सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के भी सभी लॉस, इवन मंगल ग्रह के भी लॉस, ये सिर्फ सिचुएशन और हिस्ट्री की वजह से आए हैं। बट उसमें से कुछ एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा जो शूट टू शूट हिस्ट्री से मैच होते हैं, तो आपको इमीडिएट समझ में आएगा कि सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। 16 आने सच, अगर आपने कभी भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत लंबा चौड़ा ट्रेजेडी हुआ था। मैं इसका कुछ वीडियो मेरे पास है जी न्यूज़ के, वो आपको दिखाना चाहूंगा। जो लोग न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं उनके लिए ठीक है, पर इसको पॉलिटिकल एजेंडा वगैरह मत समझना। हालांकि पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में बात की जा रही है, पर न्यूज चैनल को कंसिडर करके भी लोग ये देखते हैं कि ये तो ये। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मानता और मैं सबको वोट करता हूं। मेरा मेरे मन में ये चीज चलती है कि ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। ये मेम तो देखा ही होगा आपने, ठीक है। सो एक छोटा सा वीडियो भोपाल गैस ट्रेजेडी का दिखाना चाहूंगा, देख के हो सकता है आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। एक मास मतलब टेररिस्ट अटैक जो होता है ना, टेररिस्ट अटैक, उसमें 300-400 लोग मर जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज ए इंडस्ट्रियल टेररिज्म, इट इज ए इंडस्ट्रियल टेररिज्म। आपको अगर मैं सिनॉप्सिस में भोपाल गैस ट्रेजेडी बताऊं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक कंपनी था यूनियन कार्बाइड कंपनी, वो कंपनी से मिथिल आइसोसाइनाइड नाम का सब्सटेंस भोपाल के शैंटी लोकेशंस में लीक हुआ रात को। रातों रात 3,000 लोग मर गए, 5,00,000 लोग उस डेट से लेके आज तक इसके चपेट में आए हैं। कुछ कुछ फैमिलीज के, वहां के कुछ फैमिलीज के, नंबर ऑफ फैमिलीज के 2,000-4,000 फैमिलीज के, तो जनरेशंस
विकलांग हो गए, जनरेशंस, आने वाले दो तीन पीढ़ियां विकलांग हो गए। 40,000 लोगों की वहां से लेकर आज तक मौत हुई है, 5 लाख लोग इसके चपेट में आए हैं, 1 से ज्यादा लाख लोग परमानेंटली डिसेबल हुए हैं और 1.5-2-3 लाख लोग ये टेंपरेरी डिसेबल हुए हैं। एक बॉम्बला, टेररिज्म तो गलत ही है, एक बॉम्बला में 200-300 लोग मरते हैं, दिस इज इंडस्ट्रियल टेररिज्म। और जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का ओनर था वॉरेन एंडरसन, ये भाई साहब देश छोड़ के भाग गए, 95 के एज तक के आदमी जिया, इसने एक सिंगल रुपए का पेनल्टी इंडियन गवर्नमेंट को या उन ट्रेजेडी सहने वाले लोगों को पे नहीं किया और क्लीन चिट छूट गया क्योंकि वो दूसरे देश में था। ये तो ट्रेंड है ना इंडिया का, यहां कांड करो बाहर भाग जाओ, इसके ऊपर भी कुछ भयंकर लॉ होना चाहिए भाई साहब, और बन रहे हैं धीरे धीरे। हमारे सिलेबस में ही कुछ ऐसे लॉज है जो बाहर भागने वाले लोगों को किस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाए इसके बारे में बताते हैं। बट फिलहाल हम फोकस करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, एंड देन वी विल सी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए सच में कोई लॉ आया था क्या। थोड़ा ऑडियो वीडियो एडजस्ट कर लेना क्योंकि फिलहाल मेरा ऑडियो का वायर ऑक्स केबल कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल माइक से मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक्चुअली इसके अंदर हुआ क्या था। लेट्स गो। आज से ठीक 32 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। इस औद्योगिक आतंकवाद में ना तो हथियार चले थे और ना ही किसी का खून बहा था, लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था। आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा, भोपाल से गया, फिर भारत से, और आखिर में वो दुनिया से भी चला गया। लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हम, हमारा कानून और हमारे राजनेता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस रात भोपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन 32 साल बाद भोपाल की चौथी पीढ़ी भी इस औद्योगिक आतंकवाद के नतीजे भुगत रही है। भोपाल गैस त्रासदी को औद्योगिक जगत का हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम कांड भी कहा जाता है, लेकिन हम जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि ये घटना त्रासदी, हादसा या फिर लापरवाही नहीं थी, बल्कि ये सीधे सीधे औद्योगिक आतंकवाद था। दो दिसंबर 1984 की रात भोपाल के आसमान में छाई मिथाइल आइसोसाइनेट ने 5,000 लोगों का दम उसी पल घोट दिया था। सो नंबर इज 5,000 पीपल विद इन अ नाइट। सीने में घुटन लिए बदहवास दौड़ रहे थे। भोपाल के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो सरकारी मशीनरी, कई राजनेता और अफसर, इस औद्योगिक आतंकवाद के गुनहगार यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को कानूनी चंगुल से बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। एक दिन के लिए हिरासत में रहने के बाद एंडरसन को जमानत मिल गई और वो दिल्ली और मुंबई होते हुए हमेशा के लिए अमेरिका में सुकून भरी जिंदगी बिताने के इरादे से उड़ गया। पीछे छूट गया तो लोकतंत्र का वो चेहरा जिस पर भ्रष्टाचार की मिट्टी पड़ी थी। 25,000 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले वॉरेन एंडरसन का इतनी आसानी से देश से निकल जाना हमारे देश के सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा था और औद्योगिक आतंकवाद के सामने हमारी सबसे बड़ी हार। भोपाल उस रात के बाद हमेशा के लिए बदल गया। 68 एकड़ में फैला यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना आज भी 20 मीट्रिक टन जहरीला रसायन समेटे। ये चीज को आपने नोट करना, यहां पे मैं वीडियो को स्टॉप करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं अपने पास। मतलब आज के डेट में भी उस यूनियन कार्बाइड कारखाने के नीचे, फैक्ट्री के नीचे 20 मेट्रिक टन मिथाइल आइसोसाइनेट अभी भी दफन है, जो भोपाल के शैंटी लोकेशंस में लैंड के थ्रू या नहर के थ्रू लीक हो रहा है और अभी भी डैमेज कर रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, इंडिया में ऐसी ट्रेजेडी को फेस करने के लिए 1985 तक कोई लॉ ही नहीं था। There was no law which is made to face such a situation like Bhopal gas tragedy.
1984 2-3 दिसंबर को यह हादसा हुआ और 1985 में हमको लॉ बनाना पड़ा ऐसे हादसों के लिए. कैन यू इमेजिन, सिचुएशन पहले आया, सिचुएशन पहले आया, लॉ बाद में आया. नाम भी लॉ का है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट. प्रिवेंशन की बात नहीं की गई है भाई साहब, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स की बात की है. क्यों? क्योंकि लोग तो गए, अब बात थी सिर्फ 714 करोड़ का मुआवजा वापस निकालने की, जो कभी वॉरेन एंडरसन ने पे ही नहीं किया. दैट इज व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड. हां, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर वॉरेन एंडरसन के खिलाफ कुछ हुआ नहीं. यहां एक और चीज समझने लायक है, जो भी लॉ हम इंडिया में बनाते हैं वो इंडिया की टेरिटोरी में ही अप्लीकेबल होता है. जो यूएस में लोग बैठे हैं आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भोपाल गैस ट्रेजेडी तुमको अप्लीकेबल है, कंपेंसेशन दो. और बोल भी दोगे तो वो देंगे नहीं, और उनके ज्योग्राफी में हमारा वट चलेगा नहीं. ऐसा ही एक और लॉ अगर मैं आपको बताऊं तो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. हुंडा, बारातियों का स्वागत तो सिर्फ पान पराग से किया जाएगा. डाउरी ये इंडिया में नई चीज नहीं, ऐसा नहीं है कि 1960 में डाउरी आई. डाउरी राजा महाराजाओं के जमाने से चल रहा है. जोधा अकबर मूवी आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी आपने देखा होगा, उसके अंदर रानी का जब विवाह होता है तो भाई साहब सोने हीरे नाने कितने, हाथी घोड़े सेवक दासिया सब डाउरी में जाते हैं, सब लोग भी डाउरी में जाते थे. इतने सालों से डाउरी सिस्टम चल रहा है और आज इतने साल बाद 1961 में इंडिया में फर्स्ट टाइम डाउरी का लॉ बना है. और भले ही इंडिया में डाउरी का लॉ बना हो, आज के डेट में आपको भी पता है कि गांव कच्ची कूचे मोहल्लों में जहां एजुकेशन की बहुत कमी है, डाउरी इज अ वेरी नॉर्मल सिस्टम. लोग अफ्रंट मांगते हैं, शादी में अफ्रंट देते भी है. ये चीज को याद रखना, इसके ऊपर केस लॉज भी हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भैया शादी में खुद होके जो गिफ्ट दिया गया है लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से, उसे डाउरी नहीं माना जाता. मतलब इसमें भी डिस्प्यूट है, बट लॉ तो आया है. तीसरा इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. ये तो डिट्टो डिट्टो लगता है भाई साहब. आपको पता है इंडिया में ये फोटो तो आपने देखा ही होगा, कसाब ये भी फोटो देखा होगा, संजू बाबा है ना, मूवी निकली थी संजू बाबा की. ये आदमी तो भैया जानवर ही है, मतलब इसको बिरयानी खिलाई थी बोले गवर्नमेंट ने, जब इसको इसको उठा के जिस वक्त मिला ना उस वक्त इंफॉर्मेशन निकाल के सीधा गोली डिस्काउंट गेम ओवर. अच्छा हुआ फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे लोगों को जिंदा रखना ही नहीं चाहिए. उसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी के अंदर भैया फांसी हुई थी. संजू बाबा का ट्रायल भी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी के अंदर हुआ था, बट वो आर्म्स एंड एम्युनेशन एक्ट में कॉन्विक्ट हुआ. हालांकि मेरे को ये कभी समझा नहीं, पिक्चर जो दिखाता है और हम जो समझते हैं बहुत अलग है. लोगों की इमेज पिक्चर से क्लीन की जाती है, विच इज नॉट एक्चुअली अप्रिसिएबल. ही इज ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ मेंटेनिंग AK-56 राइफल. ये संजू बाबा के पास था ड्यूरिंग टेररिस्ट अटैक. जब उससे पूछा गया ये राइफल आपके पास क्यों था, तो ही टोल्ड दैट दिस इज फॉर माय सेल्फ डिफेंस. मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, इफ यू आर अ बॉलीवुड एक्टर, योर फादर वाज अ बॉलीवुड एक्टर, तो आपके पास लाइसेंस रिवॉल्वर नहीं है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आपको AK-56 रखना है. कल जाके अगर हमने अलाउ कर दिया कि इंडिया में जितने लोगों को सेल्फ डिफेंस चाहिए AK-56 रखो, और लड़कियां होगी तो ग्रेनेड रखो कि कोई मिला चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता. बट बाकी पिक्चर तो आपने देखी है. आपको एक्चुअली बताऊं तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी के पहले इंडिया में एक लॉ आया था, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. 1985 से 95 तक ये लॉ था. फिर इसको 95 में पोटा का पहला ड्राफ्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म का फर्स्ट ड्राफ्ट रखा गया था, पर वो पास ही नहीं हो रहा था. 95 से वो ड्राफ्ट चले जा रहा था, पार्लियामेंट पास करने के लिए रेडी नहीं थी. आपको पता है 2001 में पार्लियामेंट के बाजू में आके बॉम्ब फोड़ा है, पार्लियामेंट के बाजू में आके बॉम्ब फोड़ा 95 से लेके जो ड्राफ्ट 2001 तक के कुछ नहीं हो रहा था, जिस ड्राफ्ट का पार्लियामेंट के बाजू में बॉम्ब फूटा, पार्लियामेंट वालों की फटके हाथ में आ गई भाई साहब, उनका दिमाग खराब हो गया. अरे बोले यहां तक टेररिस्ट पहुंच गए जीवन के अंदर. फिर इन्होंने 2002 में लॉ बनाया. देखो सिचुएशन कितना भयंकर है, 95 से 2001 तक लॉ पास नहीं किया इन्होंने ड्राफ्ट वाला, 2001 में जब बम फूटा बाजू में फूटा तब जाके इनको समझ में आया कि अब लॉ पास किए बगैर कोई ऑप्शन नहीं है. 2002 में इमीडिएटली अरे भाई वापस एक खाता फोड़ देंगे, पास करो. और वो भी ऐसा नहीं पार्लियामेंट में प्रोसीजर वाइज, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ में बिठाया. नॉर्मली लॉ पास होता है पहले लोकसभा में फिर पास होता है राज्यसभा में. दिस इज वन ऑफ दोज एक्ट. पिछले 70 साल में सिर्फ दो ऐसे लॉ है जो लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में पास हुए हैं भाई साहब.
सिर्फ दो ऐसे लॉ, पहला प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी और दूसरा डाउरी जो अभी इसके पहले पढ़ा, ज्वाइंट सेशन में पास किया। ज्वाइंट नहीं नालायक, ज्वाइंट फटके दूंगा नालायक, ज्वाइंट सेशन में पास हुआ है। लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठे थे और साथ में इमीडिएटली लॉ पास करवा लिया। इमरजेंसी सोच रहे हो, अर्जेंसी सोच रहे हो, क्योंकि यहां बॉम्ब फटा था पीछे। समझ में आ रहा है? यह होता है हिस्ट्री, इसलिए लॉ पढ़ना जरूरी है। लोगों को लगता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी आना तो था, आ गया, आना तो था, ट्रिगर पॉइंट था पार्लियामेंट का अटैक, उसके ऊपर तो याकूब मेनन वगैरह कितने सारे लोगों को तो फांसी वगैरह पे चढ़ा दिया। ये सुनो, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। दीज आर द एग्जांपल्स, स्पेसिफिक एग्जांपल्स। सभी लॉ सिचुएशन की वजह से आते हैं, पर इन लॉज में आप सिचुएशन डिट्टो बता सकते हो कि ये सिचुएशन है, ये लॉ है और ये इसी तरीके से हुआ है। क्लियर है? सो सिंपल सी बात है कि भाई साहब लॉ क्यों आया, तो सिचुएशन वजह से आया। ठीक है? सो एक सेंटेंस में आपको यहां पे बोलना चाहूंगा कि कृपया लिख ले ये सेंटेंस और ये सेंटेंस के बाद वो तीन चार लॉस के नाम लिख करके, जो आपने 200 पेजेस की बुक बनाई है वहां पे, या मेरे रजिस्टर में मेरे नोट्स में जहां मेक नोट्स का कॉलम है वहां पे भी लिख सकते हो, एज यू विश, जहां पे भी आपको सही लगे, गो फॉर इट। फास्ट लिखे ना होने के बाद डन बोल दीजिएगा प्लीज। समझ में आया क्या? कृपया कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच बेटा निर्मल लड्डा, थैंक यू सो मच। चल लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा, मैं अगले एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। श्योर डन, दो चार लोगों का डन हुआ है। लॉ के सिर्फ नाम लिख लीजिएगा, जैसे दिस वन, सिर्फ नाम लिखना है आपको, नीचे का टेक्स्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख लीजिएगा इसका, अगले लॉ का, उसके अगले लॉ का, जस्ट राइट द नेम्स। ये नाम अगर लिखना हो गया है तो नेक्स्ट वन, ये भी नाम लिख लीजिए। तो नेक्स्ट वन, ये भी लिख लीजिए।
लिख लिया सबने, ईयर्स ठीक से लिखना, ईयर आपको याद रखना जरूरी है, थोड़ा लॉ के ईयर से पता चलता है मेनली कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ठीक है? ओके, प्रियंका ने पूछा है इज देर एनी चांस कि लाइव क्लास के टाइमिंग्स इवनिंग से मॉर्निंग में शिफ्ट किया जाए? वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, मेरी आई गेस एक सीए इंटर की बैच शायद आगे शुरू हो सकती है, वी विल टेक अ पोल ऑन अवर ग्रुप, सभी लोग अगर एग्री करते हैं तो विल ट्राई टू शिफ्ट द टाइमिंग्स, या इसी टाइमिंग में हम आगे डिले करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आर्टिकल शिप वाले बहुत सारे बच्चे हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर, इफ यू हैव सीरियस प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्लास टाइमिंग तो प्लीज कमेंट द सेम, ठीक है? तो मैं उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करते हुए क्लास टाइमिंग शिफ्ट करने की सोच सकता हूँ। अगर आप आर्टिकल शिप वाले नहीं हैं तो वी कैन डिस्कस द सेम, ठीक है? चलो आगे, मतलब प्रिपरेशन लीव वगैरह में हो तो। चल अगले सवाल के ऊपर हम यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, कौन से ऐसे फैक्टर जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है, कौन से ऐसे फैक्टर जिसके ऊपर लॉ कंसीडर किया जाता है, ठीक है? सो अब मैं यहां पे चार बेसिक फैक्टर्स मेंशन करना चाहूंगा जिसके ऊपर लॉ पूरे तरीके से डिपेंड होता है। आप कोई भी लॉ उठा के देख लीजिए, भले ही वो इंडिया का लॉ हो या वो देश के बाहर का लॉ हो, डजंट मैटर, ये चार फैक्टर्स है, मतलब वहां पर लॉ उसके ऊपर डिपेंड जरूर होगा और होकर ही रहेगा। चलो सबसे पहला फैक्टर होता है भाई साहब सेफ्टी। मैंने बोला था सिचुएशन की वजह से डैमेज होता है, डैमेज के अगेंस्ट एक ही चीज वर्क हो सकती है वो है सेफ्टी, डैमेज के अगेंस्ट एक ही चीज वर्क होती है वो है सेफ्टी। तो सब जन एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि पहला फैक्टर है भाई साहब सेफ्टी, जरूर कमेंट करना अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो, आपको आपके एक्स वाई जेड की कसम, ठीक है? सेफ्टी के बाद सेफ्टी फ्रॉम टेररिज्म, सेफ्टी फ्रॉम बॉम्ब ब्लास्ट, सॉरी फॉर द क्लिप आर्ट्स बट कैसा बीच बीच में थोड़ा चेंज जरूरी है, ठीक है? दूसरी चीज जो आपको लॉ ने देनी चाहिए सेफ्टी देने के बाद, सेफ्टी इज प्राइम इंपॉर्टेंट, सेफ्टी होना ही चाहिए, सेफ्टी के बाद दूसरी चीज अगर आपको देनी है तो वो है बेनिफिट, ठीक है? सेफ्टी के बाद आपको कोई चीज अगर उसने देनी चाहिए तो वो है बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले जो टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले जो टैक्स आपसे कलेक्ट किया जाता है वो सबसे पहले इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए यूज किया जाता है फॉर योर सेफ्टी, आपके सेफ्टी के लिए जितनी चीजें जरूरी है उसके लिए पहले टैक्स यूज होता है, फिर ये टैक्स आपके बेनिफिट के लिए यूज होता है, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह को बनाना, रेलवे स्टेशंस को बनाना, बस सर्विसेज को बनाना। हम सोचते हैं हम जो टैक्स पे करते हैं वो कहां जाता है, तो भैया दो चीजों में जाता है, तीन चीजों में, सेफ्टी, बेनिफिट में, और तीसरा करप्शन में, है ना? समझ रहे हो? सो एयरपोर्ट, आप सोचो अगर एयरपोर्ट, रेलवे और बस सर्विसेस नहीं होती तो आपको आज के डेट में किसी भी दूसरे गांव जाने के लिए, आप अगर अभी सोचो ना, इस वक्त मैं अभी सोचो ना, मुझे पुणे से उठ के मुंबई दिल्ली जाना है, विद इन 4 to 5 hours आई विल बी देयर इन द दिल्ली, जो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल था 50, 60, 70 years पहले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एरोप्लेन के इजाद के पहले या रेलवे के या बस सर्विसेज के अगर ये गवर्नमेंट नहीं बना था तो आपकी हालत क्या होती थी, ये सोचिए। सो सेफ्टी और बेनिफिट, बट इसके एडिशन में एक क्लॉज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो है आपको सेफ्टी मिले सही है, आपको बेनिफिट मिले सही है। फायर फाइटर्स इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर सेफ्टी एंड बेनिफिट आल्सो। ये आपको सेफ्टी तो देते ही है पर साथ में बड़े बड़े बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस वगैरह के अंदर भी इनको यूज किया जाता है, इनकी कंसल्टेंसी ली जाती है तो बेनिफिट भी देते हैं। पर आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, आपके कॉस्ट पे मिले भाई साहब, एट योर कॉस्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन। आपकी सेफ्टी, आपका बेनिफिट, आपका खर्चा, यह सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि आपके कॉस्ट पे आपको सेफ्टी या बेनिफिट ना मिल रहा हो तो लोग चोरी करना शुरू करेंगे, डकैती करना शुरू करेंगे, उनको बेनिफिट मिल रहा है आपसे चोरी करेंगे, बोलेंगे चलता है, नहीं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सीए बन रहे हो, सीए कर रहे हो, आगे जाके आप करोड़ों में पैसा कमाओगे, मेरी दुआ है कि आप अब्जों में कराओ, करोड़ों में कमाओ, मुझसे ज्यादा कमाओ। हालांकि मैं ज्यादा नहीं कमाता, मैं बहुत कम कमाता हूं, मेरे को 100 रुपए दिन के मिलते हैं, ठीक है? अरे पूरा क्लास का इनकम बीवी के पास जाता है, बीवी मेरे को 100 रुपए दिन का देती है, बोलते तुम खाते पीते घर पे हो, सोते घर पे हो, कहीं कुछ नहीं तुमको शौक पानी का, तो तुमको पैसे का करोगे क्या? अभी तो लॉकडाउन में तो पेट्रोल के भी मेरे को ऊपर का जो भत्ता मिलता है 20-30 रुपए वो भी कम हो गया, अभी मेरे को 100 रुपए मिलते दिन के, ठीक है? मेरे जैसे क्या बताऊं, ये ड्रेस वगैरह भी क्या है वो 100-100 रुपए जमा करके लैपटॉप वैपटॉप सब उसी से खरीदा है, क्या बताऊं मैं तुमको, ठीक है? अरे ध्यान दो, लेट्स गो। सो मुझसे ज्यादा पैसे तुम कमाओ जीवन के अंदर, और समझो तुमने करोड़ों रुपए कमाए और तुमने डिसाइड किया तुमको एक कार परचेस करनी है, कार, तो तुमने भाई साहब करोड़ों रुपए कमा के परचेस की नैनो कार। नैनो कार से बेस्ट कार कौन सी होगी भाई साहब? ड्राइविंग सीखना है, बेस्ट कार है, कितनी भी ठोको ड्राइविंग सीखते सीखते 1.5 लाख का खर्चा, अभी तो बंद हो गई बोलना, पर बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है? सो नैनो कार तुमने परचेस की, तुमने नैनो कार परचेस की, तुमने सोचा दिन मेरी कार मेरी,
मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा, चिली रेड कलर की नैनो कार तुमने परचेस की, चार सिग्नल दूर से ही दिख जाए एसी वाली, तुमने नैनो कार परचेस की, शोरूम फोड़ के टाटा का तुमने बाहर निकाली, एक्सीलरेटर पे फुर पैर डारा, ड्राइविंग तुमको आती थी नहीं, तुमने खिड़की के कांच नीचे करके रखे थे, हवा तुमको फुल फोर्स में लग रही थी, एयर फोर्स, तुम गाड़ी मस्त मौला होके चला रहे थे जिंदगी में एकदम फुल स्पीड पे, नैनो की स्पीड क्या 60-70 होगी ज्यादा से ज्यादा, जो भी फुल स्पीड में तुम कार चला रहे थे, आगे आया रेड सिग्नल, तुमने बोला वाह कार का सिग्नल, कार का कलर, सिग्नल का कलर मैच करता है, जाने दो कार को, है ना, और तुमने रेड सिग्नल तोड़ दिया, और फिर तुमने सिग्नल तोड़ते से ही बीच चौक में नैनो कार ठोक दी बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज को। कितना मस्त लगेगा ना, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज नैनो डिशूम तुमने ठोक दी, तुम अंदर बैठे थे, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज को पूरा बोनेट ठोक डाला जीवन में तुमने। आपको पता है बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज का टायर विथ वो टायर जिस एक्सेल में घूमता है वो एक्सेल ये 1,75,000 रुपए का आता है, 1,75,000 का सिर्फ टायर और एक्सेल जिसमें वो टायर घूमता है, 1,75,000 का, और आपकी नैनो कार की पूरी कीमत 1,50,000 रुपए। और दो ठक गई, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज वाला नीचे उतरा, तुम कार के अंदर ही बैठे रहे, खिड़कियां जो खुली थी तुमने ऊपर चढ़ा दी, तुम बोले मैं नहीं उतरूंगा, सेफ्टी सर ने सब दर्शन सर ने पढ़ाया ना सेफ्टी, मैं नहीं उतरूंगा सेफ्टी, ठीक है वो तो उसने तो बोला बाहर उतर बाहर उतर, तुम नहीं नहीं आएगा, उसने खिड़की फोड़ी, खिड़की से खींच के तुमको बाहर निकाला, जो लोग निकल सकते हैं खींच के तुमको बाहर निकाला, और बोले 5,00,000 रुपए दे, तुमने बोला अरे भाई कार रख ले नहीं चाहिए, पूरी कार ले जा, 5,00,000-5,00,000 नहीं है मेरे पास। तुमने भाई साहब गाड़ी फास्ट चलाई, तुमने खुद का बेनिफिट देखा, तुमने खुद के सीट बेल्ट लगाए, तुमने खुद की सेफ्टी देखी, तुम कांच ऊपर चढ़ के अंदर बैठे रहे, तुमने खुद की सेफ्टी देखी, पर तुम्हारे सेफ्टी बेनिफिट और स्पीड में चलाने का खामियाजा सिग्नल तोड़ने के बाद किसको भुगतना पड़ा, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज वाले को। इसलिए इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारा बेनिफिट तुम्हारे कॉस्ट के ऊपर रहे, इसलिए ये रीजन है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स का, क्योंकि दूसरों के कॉस्ट पे बेनिफिट अलाउ किया जाएगा तो लोग चोरी करेंगे, लोग चकारी करेंगे, लोग किडनैपिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, बोलेंगे बेनिफिट है, नहीं चलेगा। तीन फैक्टर कमेंट करके बताओ समझ में आया क्या, और तीनों फैक्टर कमेंट करना, ये बहुत बेसिक है लॉ का, तुमने जीवन में कभी सुना ही नहीं होगा इसको, मेरे को मालूम है जो मेरे से इंटर में पढ़े फाउंडेशन में पढ़े शायद उन्होंने सुना होगा, बाकी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तीन फैक्टर सेफ्टी बेनिफिट सिर्फ इंडिया के लॉ के नहीं पूरी दुनिया के लॉस को लगा दीजिए भाई साहब, है यही बेस है। और सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जबरदस्त फैक्टर इथिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स, जरा ये भी कमेंट करके बताइए मुझे इथिक्स का मतलब क्या है। कैन यू टेल मी, एनी वन कैन टेल मी व्हाट इज इथिक्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज इथिक्स, प्लीज 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 टेल मी व्हाट इज इथिक्स, एनीवन समझ में आएगा जरूर बताइए, कोई है माइक का लाल जो इथिक्स के बारे में बोल सकता है, मैं राह देख रहा हूं उस होनहार होशियार कोड ऑफ कंडक्ट, हिमांशु ने बोला है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट इथिकली होता है हमेशा, क्वेश्चन है गुड एंड बैड, माय गॉड बहुत बढ़िया कार्तिक बेटा, बाकी जितने भी नालायक बच्चे हैं ना जो किसी चीज को कमेंट नहीं कर रहे लाइव ग्रुप में, तुमने याद रखना रात को सपने में आऊंगा वो भी डरावने वाले, ठीक है मैं सच्ची में रिस्पांस चाहिए मेरे को ग्रुप के अंदर, चाहिए मतलब चाहिए, हाँ पाइजे मंजे चाहिए मंजे चाहिए, मैंने सवाल पूछा मेरे को जवाब चाहिए, तुमको कुछ भी लगे मॉरल एटीट्यूड क्या सही क्या गलत, मुस्कान बोल रही है मॉरल एटीट्यूड, रौनक बोल रहा है क्या सही का गलत, ओके लेट्स हैव इट वेरी सिंपल, इथिक्स इज अ वर्ड लुक्स गुड इन द बुक्स, वाह 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 फॉलो कोई नहीं करता, इथिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू डिफाइन सर, जरूर इजी टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टू डिफाइन, चलो इथिक्स भी समझाते हैं।
राइट एंड रॉन्ग अनिकेत बोलता है, चलो बहुत बढ़िया। 26 लोग है लाइव स्ट्रीम में नालायको, और 5-6 लोग कमेंट करते हैं यहां पे। गुरप्रीत बहुत बढ़िया बेटा, मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, डिसाइडिंग राइट एक्शन एंड गिविंग राइट सिचुएशन। पंखुरी ने सही बोला है, राइट एक्शन इन राइट सिचुएशन, मॉरल्स। ओके, सो जरा इथिक्स को समझते हैं। इंटर पास हुए, फाउंडेशन इंटर पास होके आए हो ना, जिस दिन रिजल्ट लगा होगा उस दिन पार्टी तो की होगी, पार्टी डिक चिक डक। मैं एकदम कॉमेडी सेंस में ही पढ़ा सकता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ाई को बहुत सीरियसली ही करो, उल्टा अगर आप तुम बोलोगे यार कैसा टीचर है, कैसा मजाक करते हुए पढ़ाता है, मुझे एक एक सिंपल चीज का जवाब देना। आई एम वेरी सॉरी, आपको अगर कॉमेडी पसंद नहीं है तो मेरे को एक सिंपल चीज का जवाब देना, दुनिया में कौन से मेमोरीज आपको ज्यादा याद रहते हैं और वापस जीने की इच्छा होती है? दुखियारे मेमोरीज याद रहते हैं और उनको जीने की इच्छा होती है, या खुशी वाले मेमोरीज याद रहते हैं और उनको जीने की इच्छा होती है? लॉ तो मैं पढ़ा दूंगा पर मेमोरी में रहना चाहिए, और खुशी वाले मेमोरीज बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं, इसलिए अपन मजाक में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये अपना पढ़ाने का ऐसा ही तरीका है, ठीक है। सो चलते रहना है इसके साथ, ठीक है। बट ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपका कंटेंट कहीं डाइल्यूट नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, और तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि तुमको कंटेंट कब पिला दिया, ठीक है। सो आ जाइए फटाफट, पूरा ध्यान। तुमने इंटर में पार्टी की होगी, तुमने फाउंडेशन में पार्टी की होगी, समझो तुम डांस मतलब पार्टी करने चले गए, और पार्टी करते करते तुमने दो पानी के ग्लास पिए, ठीक है। अच्छा सोचो जरा, जिंदगी में अच्छा सोचा करो। तुमने दो पानी के ग्लास पिए और तुमने स्टेज के ऊपर जाके डांस करना शुरू कर दिया अलग अलग लोगों के साथ, ये तुम हो जो अलग अलग डांस कर रहे हो। अब तुम्हें डांस मतलब कौन सा आता है? गणपति डांस आता है तुमको, हाँ है ना? ताशा बजाने के बाद जो तुम करते हो एक ही तो डांस है जीवन में, हाँ है ना? कहीं तुमको कोई देख ले डांस करते करते तो उसकी आंखें टपक के बाहर आ जाए जीवन में, है ना? ये सर ना सर, तुम डांस करने लगे, समझो तुम डांस फ्लोर के ऊपर जबरदस्त तरीके से डांस कर रहे हो। एक बंदा ऐसे दूर बैठा है, तुम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको मानते नहीं, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। एक बंदा ऐसे दूर बैठा है और तुमको गुस्से से देख रहा है ऐसे, तुम बोले इसको क्या हो गया, ये क्यों गुस्से से देख रहा है? तुम्हारा डांस तुमने और जोरदार कर दिया, बोले अब तो और नाचूंगा, देखे कोई गुस्से से, आज मैं पास हुआ हूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इसलिए तुमने डांस डबल करना शुरू कर दिया। भाई साहब, वो आदमी को और गुस्सा आया, वो अपनी चेयर से उठा, तुम्हारा डांस स्लो हो गया, उसने वहां से एक बोतल उठाई, तुम्हारा डांस और स्लो हो गया, उसने तुम्हारे तरफ बोतल लेके देखा और बोतल फोड़ी, भिशाम, तुम्हारा डांस और स्लो हो गया, और उसने तुम्हारे तरफ भागना शुरू कर दिया। अरे मतलब उसने तुम्हारे तरफ भागना शुरू किया फोड़ी हुई बोतल लेके, माइट भी तुमको बहुत मजा आ रहा होगा, उसको नहीं आ रहा है, तुम्हारे डांस ही ऐसा हो जीवन में जो लोगों को तुमको मर्डर करने का ही मन हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक फोड़ी हुई बोतल लेके बंदा तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तुम उसको रीजन पूछोगे या अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे? हाँ, क्या वहां रुक के पूछोगे नहीं 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 मार मत, पहले यह बता कि मेरे को क्यों मार रहा है, बताएगा वो तुमको? लगता है वो बताएगा तुम्हें? है तो भाई साहब, तुमने अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया, तुम आगे वो पीछे, वो पीछे तुम आगे, टू मच फन। वहां अगर तुम ये रुकते, तुमको मालूम है तुमने पुराने मूवी देखे जिसमें लिखा हुआ है कि ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत, इंडियन पिनल कोड सेक्शन नंबर 302 के तहत अगर कोई आदमी मर्डर करता है तो उसको सजाए मौत सुनाई जा सकती है, फांसी सुनाई जा सकती है। तुमको मालूम है, तुमने मूवीज में सुना है ताजीरात हिंद दफा 302, इंडियन पिनल कोड 302, उसको बोल के देखो, तब वो बॉटल लेके तुम्हारी तरफ भागते आ रहा है, उसको बोलना है इंडियन पिनल कोड सेक्शन नंबर 302, इफ यू मर्डर मी यू विल बी हैंग्ड टिल डेथ, बोल के देखो, जमेगा मैटर? जमेगा नहीं जमेगा। तुम अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिए, तुम आगे वो पीछे, वो पीछे तुम आगे, टू मच फन चल रहा है। 2-3 किलोमीटर तक तुम भागे, फिर तुमने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं, मेरे तो भागने की जरूरत नहीं है, बोतल उसके हाथ में है तो मैं भी उठा सकता हूं। फिर तुमने दो बोतल उठाई, दोनों फोड़ी, विषाम, और फिर तुम उसके तरफ पलटे और तुमने उसको बोला आह। दो सिचुएशन भाई साहब। पहले केस में तुमको पार्टी में मजा आ रहा था, उसको बिल्कुल नहीं आ रहा था, इसलिए पहले केस में उसने तुमको बोतल मार दी, सिर पे फोड़ी पेट में डाली, तुम्हारा मर्डर कर दिया पहले केस में।
तुम मर गए, मुझे बताओ इथिकल है अनइथिकल है? उसको मजा नहीं आ रहा था, मजे मजे में उसने तुमको मारा, इथिकल है अनइथिकल है? कमेंट करके बताओ इथिकल है अनइथिकल है। अच्छा तुम तो मरे हुए हो, वेरी सॉरी तुम तो मरे हो, आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे कि ये आदमी ने मेरे को मजे मजे में मार दिया, आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे, इथिकल है अनइथिकल है? प्लीज कमेंट करके बताओ। बताओ बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ, इथिकल है अनइथिकल है? आई वॉन्ट टू हियर दिस। हिमांशु बोल रहा है भैया अनइथिकल है, बहुत सही। बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? मर्डर होने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब तकलीफ है। अंकुश बोल रहा है अनइथिकल है, बहुत बढ़िया। सबके आंसर चाहिए, 26 लोगों के आंसर जब तक नहीं आएंगे तब तक के यही इसी क्वेश्चन के ऊपर अटका रहूंगा। मैं बहुत बेकार आदमी हूं, कोट पहन के आया इसका मतलब यह मत समझना कि मैं बहुत शरीफ हूं। पढ़ाने के मामले में अपन कोई भी हद पार कर सकते हैं, यह बात को जरूर याद रखना। अनइथिकल प्रियंका बोल रही है, तेजस्वी ने कृतिका अनइथिकल बोल रही है, बहुत बढ़िया। अंकित बोल रहा है और हमने मार दिया तो इथिकल। अंकित आगे बढ़ गए बेटा, पहले पहला तुम्हारा मर्डर तो ठीक से होने दो, फिर दूसरा देखेंगे। स्नेहा बोल रही है अनइथिकल, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत बोल रहा है अनइथिकल, बहुत बढ़िया, शानदार। जिसने यहां पे कमेंट नहीं किया उसको मर्डर पसंद है, मेरे को बोल देना, आदमी को भेज दूंगा। रौनक बोल रहा है अनइथिकल, बहुत बढ़िया शानदार, ये हुई बात। ऐसे कमेंट चाहिए, देव दनादन देव दनादन। और बाकी है 10-15 लोगों की कमेंट आए हैं, बचे लोग बाबू सोना पिकाचू में लगे हैं, नालायक। खुदा भी माफ नहीं करेगा तुम्हें जो कमेंट ना करे। करो बोलो फटाफट, रुको अब जो कमेंट नहीं करूंगा ना उसको देखता जरा मैं क्लास खत्म करने के बाद। रुको तुम वही रुको। सो भाई साहब सबका ओपिनियन, जितने ने कमेंट किया सब बोल रहे हैं अनएथिकल, जरूर मजे मजे में उसने तुमको मार दिया। वही दूसरा केस, तुमने दोनों बोतल थी, उसको बोला आ, तुमने दोनों बोतल उसके पेट में घुसा दी, तुमने मारा। क्यों मारा? लोगों ने पूछा क्यों रे तूने क्यों मारा, तुम बोले मैं नहीं मारता तो ये मुझे मार देता, तो तुमने सेल्फ डिफेंस में मारा, क्योंकि तुम नहीं मारते तो वो मार देता था, सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा। मुझे बताओ सेल्फ डिफेंस में तुमने मारा तो इथिकल है या अनइथिकल है? ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को लगेगा इथिकल 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 इथिकल, सबका इथिकल आंसर होना चाहिए। श्रुति स्तुति बहुत बढ़िया अनइथिकल, रितिका ने भी अनइथिकल बोला, बहुत बढ़िया। सो तुमने मारा है तो इथिकल हो जाएगा, इथिकल का ही आंसर आना चाहिए, सबको लग रहा है ये इथिकल है, बहुत बढ़िया शानदार अंकुश। सो सबको लग रहा है इथिकल है क्योंकि तुमने मर्डर किया इथिकल। देखो इमेजिन करो, जगह सेम, लोग देखने वाले सेम, मर्डर का तरीका भी सेम, उल्टा तुमने उसको एक बोतल ज्यादा मारी सेल्फ डिफेंस में। तुम करो तो रास लीला, वो करे तो कैरेक्टर ढीला है। पर यही इथिक्स है, यही इथिक्स है भाई साहब, इसी को इथिक्स कहते हैं। इथिक्स का मतलब क्या है? धर्म। धर्म का मतलब क्या है? भगवत गीता में लिखा है धर्मः मतिभ्यः उद्गृतः। धर्म ये मति से जन्म लेता है, मति मतलब दिमाग। दिमाग क्या करता है? सिचुएशनल एनालिसिस करता है। इथिक्स मतलब सिचुएशनल एनालिसिस करके सही या गलत जो डिसाइड कर ले वो इथिक्स है। लॉ भी इसी हिसाब से बनाया जाता है क्योंकि लॉ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है मेरे भाई। तो लॉ सिचुएशनल एनालिसिस करके सही या गलत जो ड्राफ्ट करे उसे लॉ कहते हैं, इसलिए लॉ में इथिक्स की जरूरत होती है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना, इसलिए लॉ में इथिक्स की जरूरत होती है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? सो चार फैक्टर लॉ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स। सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स, ठीक है? इसमें भी मैं थोड़ा सा बायफर्केशन करना चाहूंगा। हर लॉ के अंदर, इन एवरी गॉडडैम लॉ, You need to write सेफ्टी एंड बेनिफिट। हर लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट लिखना पड़ता है, प्रोविजंस के फॉर्म में लिखना पड़ता है, सेक्शंस के फॉर्म में लिखना पड़ता है। पर हर लॉ के अंदर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड इथिक्स ये लिखा नहीं जाता, इट इज अज्यूम्ड। ऐसा आप कोई लॉ नहीं पढ़ोगे जिसके अंदर ये लिखा होगा कि दिस लॉ इज वेरी इथिकल, दिस लॉ इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ऐसा आपको कहीं नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमने पढ़ा, कभी लिखा हुआ देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी इथिकल? लॉ बना है मतलब इथिकल है, ये अज्यूम्ड है। पर हाँ सेफ्टी जरूर लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, भाई किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो सामने वाले की सेफ्टी लिखी होगी, उसका बेनिफिट लिखा होगा। पर कभी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स लिखा नहीं जाता, ये अज्यूम्ड है। लॉ बन रहा है मतलब नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिकल है, ये अज्यूम्ड पैरामीटर्स है, ये हर लॉ में होते ही है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ये सुनना। इसी चीज के ऊपर अब जो पहले दो फैक्टर्स है इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, इनको लिखना जरूरी है, ठीक है? पहले दो फैक्टर्स है उनको बड़े अच्छे से समझना जरूरी है, तो कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड के ऊपर। समझो मैं दो फैक्टर्स ले रहा हूं, सेफ्टी और बेनिफिट। सीरियस डिस्कशन होगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ड्राफ्ट वाइज हम इसको देखेंगे, ठीक है? मस्ती मजाक साइड में जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? चार टाइप के लॉ के ड्राफ्ट में बना रहा हूं। देखो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एनीथिक्स, ये तो अज्यूम्ड है, ये तो अज्यूम्ड है, ये तो रहने ही वाला है, ये तो हमेशा रहने वाला है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत? पर दो तो लिखने पड़ते हैं, सेफ्टी और बेनिफिट, ये तो लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने लॉ का कोई पहला ड्राफ्ट बनाया जिसमें सेफ्टी नहीं लिखा है, सेफ्टी ही नहीं लिखा, बेनिफिट भी नहीं लिखा, प्लीज टेल द आंसर, क्या ये लॉ का ड्राफ्ट लॉ बन सकता है? समझो मैंने कोई ड्राफ्ट ड्रॉफ्ट किया, उसमें ना सेफ्टी लिखा है ना बेनिफिट लिखा है, ऐसे ही बना के छोड़ दिया, क्या यह लॉ बन सकता है? प्लीज टेल मी, क्या यह लॉ बन सकता है? प्लीज टेल मी, क्या यह लॉ बन सकता है? आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, देखो फाउंडेशन से इतने लॉ पढ़ के आए, पर यह सवाल कभी नहीं गया होगा आपको, क्या यह लॉ बन सकता है? प्लीज टेल मी, सेफ्टी बेनिफिट दोनों नहीं है, फटाफट मुझे आंसर कीजिए, फटाफट, आई एम वेटिंग। बहुत बढ़िया, नो नो नो, बहुत बढ़िया, शानदार, नो, बहुत, एक नंबर, जबरदस्त, सही जा रहे हो। तो ये बिल्कुल भी लॉ नहीं बन सकता, क्योंकि सेफ्टी और बेनिफिट प्राइम प्राइम चीजें हैं। दूसरा कोई ड्राफ्ट है, सेफ्टी नहीं लिखा पर बेनिफिट लिखा गया है, सेफ्टी नहीं लिखा पर बेनिफिट लिखा गया है, क्या ये लॉ बन सकता है? मुझे इसका आंसर टू, केस टू, या टू यस और नो करके देना, टू टाइप करना और यस और नो टाइप करके देना, या फिर पहला और दूसरे का आंसर मिक्स होगा, सो टू टाइप करो और यस और नो टाइप करो। सेफ्टी नहीं लिखा है पर बेनिफिट लिखा है, मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूंगा। ये इसका केस टू का आंसर, लॉ टू का आंसर आपने सही दे दिया तो मैं मानूंगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है, ठीक है? नहीं दिया तो मैं ठीक कर दूंगा। केस टू का आंसर मुझे बताओ, क्या ये लॉ बन सकता है? टू लिखना, यस और नो लिखना, प्लीज। बहुत बढ़िया हिमांशु, और कोई? टू लिखना, यस और नो लिखना। अंकित बोल रहा है टू का यस आंसर, टू नो, टू नो, टू नो, टू नो, टू नो, बहुत बढ़िया। एक जन का आंसर अंकित का सिर्फ गलत आया है, बट बाकी सब लोग बच्चे बोल रहे हैं टू का आंसर नो है, बहुत सही बोला, नहीं बन सकता। एक बात याद रखना, सेफ्टी रहना ही चाहिए, लॉ सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, बेनिफिट मिले ना मिले कोई बात नहीं है, बट सेफ्टी रहना चाहिए। ऐसा बेनिफिट क्या काम का जिसमें सेफ्टी ही नहीं है? लोगों की जिसमें सेफ्टी ही नहीं है वो बेनिफिट का करोगे क्या तुम? सीधी बात है ना भाई। अब जाते हैं लॉ थ्री के ऊपर, सेफ्टी लिखा है लॉ में, बेनिफिट नहीं लिखा, क्या यह लॉ बन सकता है? थ्री लिखना और यस और नो लिखना, थ्री लिखना, यस और नो लिखना। टू का आंसर मुस्कान ने भी यस दिया, बेटा मुस्कान लॉजिक समझ में आया, अंकित लॉजिक समझ में आया, टू क्यों नो बोला मैंने, लॉजिक का आंसर देना मुझे, थ्री का आंसर मुझे देना यस और नो करके, प्लीज थ्री का आंसर देना। थ्री का आंसर यस है अंकुश का, पंखुरी का भी आंसर यस है, हिमांशु का भी यस है डिफेंस की वजह से, थ्री का आंसर दीजिए कृपया। केस नंबर टू आंसर इज नो, स्तुति बहुत बढ़िया शानदार बेटा, बाकी सबका थ्री का आंसर चल रहा है यस है, चलो बहुत बढ़िया। थ्री वाला लॉ जरूर बन सकता है, जरूर जरूर बन सकता है, थ्री वाला लॉ जरूर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? सेफ्टी चलेगा, बेनिफिट रहे ना रहे। सर ऐसे कैसे होगा, ऐसा कौन सा लॉ है सर? अगर सी बहुत सिंपल है, पहले दो लॉ बन ही नहीं सकते इसलिए इनके कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, पहले वाले दो लॉ बन ही नहीं सकते इसलिए एग्जाम्पल नहीं है, पर सर अगर तीसरा लॉ बन सकता है तो एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कोई तो लॉ होना चाहिए ना। हमने एग्जाम्पल देखा है डाउरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, टेररिज्म एक्टिविटी वाला लॉ तुम्हें सिर्फ सेफ्टी देता है, कोई बेनिफिट नहीं देता। वो लॉ ये नहीं बोलता कि इंडिया का आजाद नागरिक हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कैरी रिवॉल्वर विथ हिम, एंड इफ देर आर गर्ल्स फॉर सेफ्टी दे कैन कैरी AK-47 एंड 5 ग्रेनेड्स, किसी ने छेड़ा वाह बूम, नहीं बोलता। सो पोटा हो गया, डाउरी हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉज आर फॉर सेफ्टी, बेनिफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो तीसरा वाला लॉ जरूर बन सकता है, चौथा सेफ्टी भी है बेनिफिट भी है, नो क्वेश्चन। इनकम टैक्स एक्ट, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट, इसमें बेनिफिट भी मिलता है। सो यस, दीज आर द लॉज। अगर आप मुझे प्रायोरिटी वाइज पूछो, प्रायोरिटी वाइज कि कौन सा वाला लॉ पहला बनना चाहिए, तो आई विल ऑलवेज से फोर्थ ड्राफ्ट इज ऑलवेज बेस्ट वन, थर्ड वाला इज सेकंड प्रायोरिटी, बाकी दो बन ही नहीं सकते तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
ठीक है। सो दिस इज सिनॉप्सिस ऑफ सेफ्टी एंड बेनिफिट। ये दो लिखने पड़ते हैं इसलिए सिनॉप्सिस है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स, या अज्यूम्ड है, ये अज्यूम्ड है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो उसका सिनॉप्सिस नहीं है, वो अज्यूम्ड है, वो रहने ही वाला है। क्लियर है? नाउ व्हाट आई विश, आप पहले एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स, खुद ही क्वेश्चन लिखिए, डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, ये खुद क्वेश्चन लिखिए, नीचे चार फैक्टर लिखिए और फिर ये टेबल लिखिए। आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, नीचे चार फैक्टर लिखिए और फिर उसके बाद में ये पूरा टेबल लिख लीजिए। ठीक है, गो विथ इट, गो विथ इट फास्ट। समझ में आया क्या? कृपया कमेंट करके बोलिए, एकदम क्लियर हुआ क्या, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर हुआ क्या, जरूर बोलिएगा। बहुत बढ़िया मेरे YouTube के प्यारों, प्यारे प्यारे नालायकों, जो भी लोग लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी हैप्पी फॉर यू। पवन कुमार, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, शानदार। थैंक यू सो मच बेटा अंकित, बहुत बढ़िया हिमांशु, थैंक यू, थैंक यू सो मच कृतिका, थैंक यू सो मच मुक्सकान, थैंक यू सो मच नेहा रौनक। लिखना हो जाए तो कृपया डन बोल दीजिएगा प्लीज। चलो, चार पांच लोगों का डन हुआ है तो आई होप सो सबका हुआ होगा। लिखना हो जाए डन बोल दीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर बेटा अर्चित, शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली लॉ इज। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, हम हमारे लास्ट स्टेप पे है और अब सवाल आता है बहुत भयंकर वाला और बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगा, हाउ लॉ इज मेड। स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दू, स्टैट्यूटरी वार्निंग। पहली बात,
आपको ये प्रोसेस नहीं पता, आपको सिर्फ थोड़े सिनॉप्सिस पता होंगे कि सर पार्लियामेंट में पास होता है, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है वगैरह। पर आज स्टैट्यूटरी वार्निंग, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, पूरा अलर्ट होके बैठो। मेरे को मालूम है 2.5 घंटे से आप ये लेक्चर कर रहे हो, 2-10 मिनट का ब्रेक मिला के 2.5 घंटे से आप लेक्चर कर रहे हो, आई नो। बट दिस इज अ टाइम जब आप खुद को लगाए रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे सभी चैप्टर्स के हिस्ट्री में हमें काम में आने वाला है। आसान नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ सिनॉप्सिस पता है, लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, बात खत्म। पर इस क्वेश्चन में आज मैं इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बिना पॉलिटिकल सिस्टम के हम ये बता ही नहीं सकते लॉ कैसे बनता है, ठीक है। सो मैं इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको साथ में, ये साथ हैंड इन हैंड जाएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन साथ में करूंगा लॉ बनता कैसे है, और उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कितने टाइप्स के लॉ होते हैं और कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं लॉ पास करने के, ठीक है। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करें फिर, आ जाइए। लॉ कैसे पास करते हैं, उससे पहले आपको एक बहुत बेसिक सवाल आना चाहिए दिमाग में, और वो बेसिक सवाल है लॉ कितने टाइप के होते हैं। इसका आंसर अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हां ठीक है, तुमको पता है कि लॉ क्या होता है। पहला बेसिक सवाल मेरा यह है कि लॉ कितने टाइप के होते हैं। एनीवन कैन टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर? जस्ट टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर, अगर आप मुझे बता सको तो। इफ यू कैन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर। थ्री टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर, याद नहीं है आप सर? वाह 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 वाह, क्या क्या जवाब दिया है सर, दो में भी तुक्के मार रहे हो। अच्छा तुम, अच्छा लॉ पढ़ के आए हो जीवन में, है तुम 100-100 मार्क के लिए लॉ पढ़ के आए हो तुम, नहीं बचपन से? और यहां आके नहीं सर पता नहीं सर, नहीं सर कभी देखा नहीं सर, कभी किसी ने बताया नहीं सर, नहीं पर ऐसा नहीं कि सर हम खुद ढूंढ लेंगे, ना 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 सर ना, तुम बताओगे तो सुनेंगे, ना बताओगे तो गया तेल लेने, हमार क्या लेना देना इस चीज से, है सब मालूम है मेरे को, सब नालायक लोगों। चलो अच्छा सा एक आधा चार्ट तुम्हारे सामने रखेंगे और तुम्हें बताएंगे कि लॉ क्या होता है। सिविल क्रिमिनल? ना बेटा ना, बहुत छोटा आंसर दे दिए। चलो कोई नहीं, अभी हम जिंदा है तो आंसर भी हम ही देंगे, तुम्हारे लिए स्पेसिफिक चार्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, चार्ट फॉर योर आईज ओनली। फोर टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल, सिविल। चलो कोई नहीं कोई नहीं, आ जाइए मैं बता दूंगा। सबसे पहली बात, लॉ कितने टाइप के होते हैं, यह समझने के पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि लॉ पास कहां किया जाता है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ लॉ, यू नीड टू अंडरस्टैंड पावर टू पास द लॉ। लॉ कौन पास कर सकता है, यह आपको समझना जरूरी है। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हु इज हैविंग अ पावर टू पास द लॉ, यू नीड टू गो टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर
245 में यह मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 444 आर्टिकल्स में से। 444 का दिखा ना हमने भी, जस्ट हिस्ट्री में लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के 444 आर्टिकल्स। लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, जो मैं बिल्कुल भी कभी मार नहीं सकता, सो आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत ट्राई करता रहता हूं, हमेशा लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 444 आर्टिकल्स में से आर्टिकल नंबर 245 में यह मेंशन किया है कि पार्लियामेंट हैव अ पावर टू पास द लॉ, पार्लियामेंट हैव अ पावर टू पास द लॉ, एंड इन केस ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू पास द लॉ। फिर इनको पूछा गया कि भैया 245 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास कर सकते हैं, तो भैया कितना टाइप के लॉ ये पास कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ। तो इमीडिएट लिखा गया आर्टिकल नंबर 246 में कि भाई साहब हमने शेड्यूल नंबर सेवन के अंदर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मेंशन करके रखा है कि कितने टाइप के सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके ऊपर लॉ पास कर सकते हैं। तो 245 आर्टिकल बोलता है कि भाई साहब पार्लियामेंट में, भैया पार्लियामेंट ये सेंट्रल लॉ पास करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लॉ पास करेंगे, पर इनके सब्जेक्ट्स कितने हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स इज अ रेवेन्यू सब्जेक्ट, कंपनीज एक्ट इज अ कॉर्पोरेट सब्जेक्ट, जीएसटी इज अगेन अ रेवेन्यू सब्जेक्ट, एनिमल प्रोटेक्शन इज अ नेचुरल सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल कंट्रोल एक्ट इज अ नेचुरल सब्जेक्ट, इकोलॉजिकल सब्जेक्ट। तो कितने टाइप के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ पास कर सकते हैं। तो 245 और 246 दोनों ने मिलकर भाई साहब डिक्लेयर कर दिया कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ लॉ, थ्री कैटेगरीज ऑफ लॉ जिसके अंदर आप लॉ पास कर सकते हो, जिसमें से पहला कैटेगरी ऑफ लॉ है सेंट्रल लॉ, दूसरा कैटेगरी ऑफ लॉ है स्टेट लॉ, और तीसरा कैटेगरी ऑफ लॉ है कॉन्करेंट लॉ। सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, कॉन्करेंट लॉ। अगर आप मुझसे पूछो कि ये सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ क्या है, तो मैं यहां लिखना चाहूंगा सेंट्रल लॉ इज अप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स मिनिमम, यहां सेंट्रल लॉ अप्लीकेबल होता है, ठीक है। जीएसटी वगैरह है तो 200 नॉटिकल माइल्स तक के भी जाता है, ठीक है। स्टेट लॉ इज अप्लीकेबल टू स्पेसिफिक स्टेट, एंड कॉन्करेंट लॉ इज अप्लीकेबल टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट बट विथ सम फ्लेक्सिबल प्रोविजन, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। अच्छा सर, इसके एग्जाम्पल बताओ फिर, जीवन में ऐसा कुछ है तो जरा एग्जाम्पल बताओ। तो माने जरूर बताऊंगा, हमारे सिलेबस का कंपनीज एक्ट 2013, आप जो पढ़ते हो इनकम टैक्स एक्ट, ईयर क्या इनकम टैक्स एक्ट का नालायक लोगो, 1961, नहीं पता होगा मेरे को मालूम है। उसके बाद में हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, लॉस के अंदर एक और ऐड कर दो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी एक्ट नहीं है, कोड है 2016, कोड है फिर भी पूरे देश को अप्लीकेबल है, इज अ सेंट्रल लॉ। सर स्टेट लॉ के एग्जांपल बताओ तो माने, गुजरात में लिकर बैन है, लॉ का एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता पर गुजरात में लिकर बैन है, बिहार में लिकर बैन है यकीन नहीं होता पर है, ठीक है। तो इन महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुटखा बैन है महाराष्ट्र में स्टेट लॉ, क्या गुजरात में लिकर बैन होने से पूरे देश में बैन हो गई, नहीं, पीते सब लोग मजे लेते हैं, गोवा तो लिकर के भरोसे पे चल रहा है जीवन में, टूरिज्म एंड लिकर, वहां तो टैक्स फ्री है लिकर भाई साहब। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, महाराष्ट्र में बैन होने की वजह से सब जगह बैन हो गया, नहीं, अभी भी लग रहा है ना ऊंचे लोग ऊंची पसंद जिंदगी झंड है ना, अभी भी तो चलता है दाने दाने में केसर का दम है ना, आया बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, इतना दाने में केसर का दम है तो जब रिलेटिव घर पे आते हैं तो खीर में हम केसर ना डाले विमली डाले तो बहुत अच्छी बात है ना। तो गुटखा बैन है भाई साहब,
ठीक है, क्योंकि दाने दाने में केसर का दाम है, तो खीर में क्यों केसर क्यों खर्च करना, दाने दाने में गुटका डाल दो थोड़ा, और रिलेटिव तो आते रहते, रिलेटिव मतलब वही वही लोग, रिलेटिव मतलब वही लोग जो पूछते हैं कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, वही लोग, ठीक है, और रिजल्ट के टाइम पे हर बार उठ के आ जाते हैं वही 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 रिलेटिव, ठीक है। सो गुजरात में लिखकर बैन है, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है। सर कॉन्करेंट लॉ का एग्जाम्पल GST, गुड नाइट सी ड्रीम टेक केयर 2017, इट इज अ कॉन्करेंट लॉ है ना। स्टेट के जीएसटी के रेट अलग होते हैं, सेंटर के जीएसटी के रेट अलग होते हैं। आपने कई बार होटल में खाना होगा खाया होगा, CGST SGST नॉर्मली दोनों के रेट सेम ही होते हैं, 2.5% 2.5%, कभी तक कभी किसी ने चेंज नहीं किया, बहुत रेयर केस में अलग अलग रेट रख सकते हैं। सर इतना ज्यादा बोल दिया तो जरा बताइए कि ये कितने सब्जेक्ट्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बोल रहे थे ना सर आप कैटेगरी सब्जेक्ट्स, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स सर, हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है, इन सब्जेक्ट को पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में एंट्रीज भी कहते हैं। तो भैया सेंट्रल लॉ के 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लॉ के 66 सब्जेक्ट है, एंड कॉन्करेंट लॉ के 47 सब्जेक्ट है जिसके थ्रू ये पास होता है। सर कुछ भी बोल रहे हो तुम, डिजिट पे डिजिट बोलोगे हम मान लेंगे, उल्लू समझे हो हैं कि तुम बोले जाओगे हम मना भी नहीं करेंगे, और तुम्हें समझ भी क्या समझे का हो क्या चल रहा है, तुम्हें लग रहा है हम उल्लू है, नहीं बेटा मुझे बिल्कुल नहीं लगता उल्लू है, हाथ के कंकड़ को आरसी क्यों और पढ़े लिखे को फारसी क्यों, अपन सीधा सीधा तुमको स्टेट की लिस्ट ही ओपन करके देखते हैं, लिस्ट ही बता देते ना बोले क्यों, ये रहा आपका 7th शेड्यूल टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यहां पे यूनियन लिस्ट शुरू होता है, एंट्री नंबर 1 जैसे मैंने बोला था सेफ्टी फर्स्ट, तो पहले आएंगे डिफेंस लॉज, नेवल लॉज, डिप्लॉयमेंट लॉज, ठीक है, फिर आर्मी, एटॉमिक एनर्जी, यही वो सब लॉज है जिसके अंदर आपके सभी के सभी लॉज इसी में से पैदा हुए हैं जो आपके सिलेबस में है, वॉर पीस वाले लॉज, फिर रेलवे वाले लॉज, हाईवे वाले लॉज, मैरीटाइम वाले लॉज, लाइट हाउस पोर्ट वाले लॉज, एयरवेज वाले लॉज, इसे इसी इसी भाई साहब इसी में से आए हैं, फिर रिजर्व बैंक के, फिर फॉरेन रोज के लॉज, अब आया 43 एंड 44। ये 43 44 आप जो देख रहे हो ना, दिस इज एंट्री नंबर 43 44 जिसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है। यस, कंपनीज एक्ट 2013 एंट्री नंबर 43-44 में बनाया गया है, ये वो एंट्रीज है जिसकी वजह से कंपनीज एक्ट बनाया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंट्री नंबर 45, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंट्री नंबर 46, इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंट्री नंबर 47, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 एंट्री नंबर 48, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंट्री नंबर 48, इंटेंजिबल assets and intangible rights, intellectual property rights, entry number 49, standards of weights and measures act जो GST के पहले और excise duty के पहले आया करता था 75 वाला, entry number 50, ऐसे number of laws पूरे center के इसी में से आए हैं, total number of entries गिन लो, झूठ बोले कौवा काटे, ठीक है गिन लो भाई साहब कहां खत्म हो रहे 97। 97 के बाद शुरू हो गई स्टेट लिस्ट, स्टेट के रिगार्डिंग पुलिस, स्टेट पुलिस होती है ना, हर एक स्टेट की पुलिस अलग होती है, डिफेंस आ गया पहले, पब्लिक ऑर्डर, हर एक स्टेट के रूल अलग होते हैं, महाराष्ट्र में कोविड में लॉकडाउन चल रहा है जरूरी नहीं है पूरे देश में चल रहा हो, कई कई जगह पे ओपन करके रखा हुआ था, गोवा ओपन करके रखा हुआ था, हाईकोर्ट के लॉज, क्योंकि हर एक स्टेट का हाईकोर्ट के पावर अलग होते हैं, हर एक स्टेट का हाईकोर्ट अलग नहीं होता, देर आर 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज 36 37, और 24 हाईकोर्ट्स ही है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का एक ही हाईकोर्ट होता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर प्रिजनर्स के लॉज, क्योंकि पुलिस अलग है तो प्रिजन अलग है, इंटॉक्सिकेशन के लॉज, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के लॉज, उसके बाद में रिलीफ एक्ट, ऐसे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप इनके देखते जाओ। आज का होमवर्क भाई साहब, इसको कृपया चेक करके आना, आपने कभी ये किया नहीं होगा बट आज करना बहुत जरूरी है, दैट इज 66 एंट्रीज फॉर द स्टेट लॉज, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्करेंट लॉज जीएसटी वाले, जो स्टेट और अलग अलग लगते हैं, जैसे डिवोर्स वाले लॉज, स्टेट का भी मानना पड़ता है क्योंकि वहां रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन अलग अलग कास्ट है, सेंटर का भी मानना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अगला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड, कश्मीर में हम लैंड नहीं ले सकते, अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, अब ले सकते हैं वहां पे, आप हिमाचल प्रदेश वगैरह उस साइड जाओ ना, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, वहां पे भी आप लैंड नहीं ले सकते, इंडिया का कंसर्न वहां पे लैंड वगैरह नहीं ले सकता, एक्शनेबल रॉन्ग्स के राइट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के थोड़े बहुत राइट्स, ये सब चीज है, बैंकिंग वगैरह के थोड़े बहुत राइट्स अलग है, एजुकेशन कॉन्करेंट लॉ एजुकेशन में आता है कि भैया सेंट्रल वाला बॉडी उनको गवर्न करता है बट स्टेट बॉडी भी गवर्न करता है, कॉन्करेंट लॉस 47 एंट्रीज दिखा दिया मैंने कि भैया कितने एंट्रीज, 97 66 47, मेरा काम खत्म। फिर अगली बात, सर इतना ही अगर आप पेल रहे हो तो थोड़ा यह भी पेल दो कि प्रोसेस क्या है लॉ पास करने का, सेंट्रल लॉ गोज टू सेंट्रल प्रोसेस, स्टेट लॉ गो टू स्टेट प्रोसेस, कॉन्करेंट लॉ गोज टू बोथ प्रोसेस,
सेंट्रल प्रोसेस मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट आफ्टर दैट प्रेसिडेंट, स्टेट लॉ गोज टू स्टेट प्रोसेस दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा विधान परिषद सुने हो, स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर दैट गवर्नर एंड ये वाला बोथ, जो दोनों प्रोसेस है वो दोनों फॉलो करने पड़ेंगे, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। क्लियर है, ये चीज को याद रखना, दीज आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ, और ये कहां से आए हैं कहां से बने हैं ये उसका पूरा का पूरा आर्टिकुलेशन रहा। समझ में आया क्या जरूर कमेंट करके बताइए, मेरे को पढ़ा के तो बहुत मजा आया, आपको समझ में आया क्या ये मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, आई विल बी वेटिंग। और इस चीज को कृपया लिख लीजिए, कैटेगरीज ऑफ लॉ, ये आपने इसका हेडिंग देना चाहिए, डीके इंग्लिश पर आपने कैटेगरीज ऑफ लॉ ही लिखना, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट, आई विल वेट फॉर राइटिंग, लिखने के बाद डन बोल दीजिएगा प्लीज, समझ में आएगा जरूर बोलना। थैंक विकास बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सीए विकास अग्रवाल, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आप सीए बन गए, आई एम वेरी हैप्पी। कभी पुणे आओ तो जरूर मिलके जाना, मैं आपके लिए पेन लेके रखूंगा एक, जिससे साइन करने के लिए आपको काम में आएगा। फास्ट लिखने वाले थोड़े स्लो हो जाइए, स्लो लिखने वाले थोड़े फास्ट हो जाइए, सबकी एक जैसी स्पीड नहीं रहेगी, सो मुझे प्रॉपरली स्क्रॉल करना पड़ेगा।
लाइव लेक्चर नॉर्मली 9 साढ़े 9 बजे तक रहेगा, 9 सवा 9 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन कितना हेवी डोज पिलाया जा रहा है। लिखना हो गया सबका? हेवी हो गया, झेलने की और ताकत है? पहला ही डे है, 3 घंटे के आसपास खत्म कर चुके हैं, झेलने की ताकत है तो बता दो, झिलवा लेंगे, नहीं है तो भी बता दो, कल झिलवा लेंगे। मन भर गया, झेल सकते हो, क्योंकि अगली प्रोसेस बेटा बहुत क्रूशियल है, बहुत बड़ा नंबर गेम है, बहुत लंबी प्रोसेस है, दिमाग खराब हो जाएगा सब सुन के, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम खोल के रख दूंगा। झेलने की ताकत है क्या, झेपेगा क्या, ये बताओ मुझे जरा। हेवी हो गया तो भी बोल दो, क्योंकि कंसेप्ट घुसना चाहिए, बहुत बेसिक है और आगे बहुत काम में आने वाला है। जरूर झेलोगे, चलो फिर, बहुत बढ़िया, अच्छा, मेरे को लगा मना कर दोगे, बहुत अच्छा शगुन है, शानदार है, एवर रेडी, वाह वाह वाह, मतलब मैं क्या बोलूँ, वाह, इतनी खुशी, किधर गया सब, फेदर फेदर कहां से आ गया जीवन में, आ जाओ फिर पीपीटी पे वापस, आ जाओ मेरे भाई लोगों पीपीटी पे। ओके, तो अब शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं, हाउ लॉ इज मेड, लॉ किस तरीके से बनाया गया है, हम उसकी प्रोसेस देख रहे हैं। लॉ की प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइड होगी, पहले प्रोसेस का नाम है सेंट्रल प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस का नाम है स्टेट प्रोसेस। पहली प्रोसेस का नाम क्या है, सेंट्रल, दूसरी प्रोसेस का नाम क्या है, स्टेट प्रोसेस, पर कॉन्करेंट प्रोसेस जो है वो दोनों में बटेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रोसेस, बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में सेंट्रल प्रोसेस अलग और स्टेट प्रोसेस अलग होती है, पर दोनों प्रोसेस में पहली चीज कॉमन होती है, वो होती है ड्राफ्टिंग। कोई भी लॉ बनाने के पहले आपको ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI अरविंद केजरीवाल जी ने ड्राफ्ट किया है, लोकपाल बिल अरविंद केजरीवाल जी ने ड्राफ्ट किया है, कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिक ड्राफ्ट नारायण मूर्ति कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, सर जे ईरानी कमेटी, नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम बिरला, जे ईरानी कमेटी, इनके कमिटीज में ड्राफ्ट किए गए हैं, और ये आगे भी मैं हिस्ट्री में बोलूंगा कंपनीज एक्ट के। सो ड्राफ्टिंग इज प्राइम इंपॉर्टेंट। फिर ये प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट तो पता होगा है ना, जहां लोग मारापीटी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, चेयर वेयर फेंक के मारते हैं, टेबल वेबल फेंक के मारते हैं, झगड़े करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट, जहां लोग नोट के बंडल निकाल के दिखाते हैं ये हमको घूस मिली है, जहां लोग सोते हैं, है ना, मतलब ये ऐसा नहीं, बाकी भी लोग है जो सोते हैं, जहां मोबाइल के ऊपर क्या क्या देखते हैं, क्या बोलूं मैं जीवन के अंदर, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हाँ, मैं किसी के अगेंस्ट हूं, यहां राहुल गांधी का फोटो देगा लोग बोलेंगे ये बीजेपी वाला है, मैं किसी वाला, सब पार्टी बेकार है, सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, ठीक है, ये वो जहां गंदी गंदी मूवी देखते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, है ना, क्या बोले, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अवर पार्लियामेंट, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है देख के, बट क्या करें, ठीक है। सो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इन दोनों में लॉ रीड किया जाएगा, फर्स्ट रीडिंग इनके यहां पे होगा, फिर इसके ऊपर पार्लियामेंट के लोग, पब्लिक वाले लोग कमेंट करेंगे। सो ड्राफ्टिंग, इंट्रोडक्शन, रीडिंग एंड इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक, फिर इसके बाद में यह लॉ स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी मतलब वो कमेटी जो इन लॉस को पास करती है, जैसे नारायण मूर्ति कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, सर जे ईरानी कमेटी, कंपनीज एक्ट बनाने के लिए इनका काम था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, TK विश्वनाथन कमेटी, ठीक है, ऐसे अलग अलग लॉस के लिए अलग अलग स्टैंडिंग कमेटीज बनाए जाते हैं। सो भाई साहब, पहला स्टेप क्या हुआ इसके अंदर, रीडिंग,
सॉरी माय मिस्टेक, पहला स्टेप क्या हुआ भाई साहब, ड्राफ्टिंग, इधर भी ड्राफ्टिंग, पर इधर सेंट्रल लॉ ड्राफ्ट किया जाता है, इधर स्टेट लॉ ड्राफ्ट किया जाता है, कॉन्करेंट तो चलो ठीक है लिख नहीं सकते, दोनों जगह पे होगा। फिर उसके बाद में दिस इज पार्लियामेंट, दिस इज स्टेट लेजिस्लेचर, फिर इधर रीडिंग इन पार्लियामेंट, इधर रीडिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर, फिर इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज, इनपुट्स फ्रॉम स्टेट पब्लिक एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज, खासदार आमदार सुना होगा एमपीज एमएलएज, स्टैंडिंग कमिटीज सेंट्रल कमिटी स्टेट कमिटी, ठीक है। यह हुआ पार्लियामेंट, यह हुआ ड्राफ्ट स्टैंडिंग कमिटी ने अप्रूव किया। स्टैंडिंग कमिटी जैसे ही ड्राफ्ट अप्रूव करती है फिर वो वापस से आता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पहले लास्ट केस में सिर्फ डिस्कशन हुआ था, सिर्फ डिस्कशन हुआ था, पास नहीं हुआ था, सिर्फ लॉ को पढ़ा गया था, डिस्कशन भी नहीं हुआ था, रीड किया था। अब डिस्कशन होगा और लॉ पास होगा। पार्लियामेंट के दो हाउसेज में यहां पर लॉ डिवाइड होगा, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा जहां नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं। मित्रों मेरे प्यारे देशवासियों, 56 इंच का सीना लेकर हम इस बार धारा 370 जम्मू कश्मीर की रद्द करते हैं। गायब आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी। मित्रों और स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में अभी तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, पर पहले देवेंद्र फडणवीस की जी की सरकार थी, देशात नरेंद्र राज्यात देवेंद्र, ठीक है। इस बार तो महाराष्ट्र का इलेक्शन तो भैया इस बार देखने लायक था, मतलब पॉलिटिकल क्या हो सकता है। बीजेपी इज द हाईएस्ट वोट टेकिंग पार्टी और भाई साहब गवर्नमेंट बना के बैठे बाकी सब लोग, क्या बोले। सो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस, उसके बाद में उद्धव ठाकरे वाली महाआघाड़ी वाली सरकार, सब एक साथ आ गया, सब एक साथ, क्या बोले अभी। तो ये पार्लियामेंट है। अब अगर मैं आपको सिंपली बोलू, या अगर मैं आपको सिंपली बोलू तो भैया कमिटी ने अप्रूव करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में ये डिवाइड होता है। लोकसभा को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज हॉप, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स। लोकसभा में होते हैं भाई साहब 545 मेंबर्स, कम ज्यादा हो सकते हैं बट नॉर्मली 545 होते हैं, और उसमें से अगर आपको लॉ पास करना है तो 273 मेंबर्स का अप्रूवल लगता है, मेनली 272 ही, 272 सीटें, 272 मेंबर्स का अप्रूवल लगता है। हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में 245 मेंबर्स होते हैं और आपको 123 का अप्रूवल लगता है। अब शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटिकल गेम, ठीक है। लोकसभा में बैठते हैं एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में बैठते हैं मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल एमएससीज। एमपी मतलब वो खासदार जो आपने चुन के लिया था 2019 के इलेक्शन में, 2019 में मोदी सरकार जब वापस बनी थी 2014 के बाद, तब आपने एमपीज को चुना था, राइट। जिस वक्त 2019 में सिर्फ बीजेपी इंडिविजुअल पार्टी के 305 से ज्यादा सीटें आई थी, 305 मतलब 545 में से सिर्फ बीजेपी पार्टी की 305 सीटें थी, और बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज की 350 के ऊपर सीटें थी। आपको पता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दो नाम बहुत प्रचलित है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा नाम प्रचलित है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज, जैसे महाराष्ट्र में 2019 के इलेक्शन में भाजपा बीजेपी प्लस शिवसेना ये अलाइड पार्टी मानी जाती थी, बाद में 2020 के इलेक्शन में वो अलायंस टूट गया और स्टेट गवर्नमेंट अलग से बना ली इन्होंने, ठीक है। सो दैट इज एनडीए बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज। यूपीए इज अ कांग्रेस अ नेशनल पार्टी प्लस रीजनल अलाइड पार्टीज, जैसे महाराष्ट्र में
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार जी का आपने नाम सुना होगा, सो कांग्रेस एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस इज अ यूपीए इन द महाराष्ट्र। एनडीए ने 2019 के इलेक्शन में 350 प्लस सीटें लाई थी, जिसमें से सिर्फ बीजेपी की 305 प्लस सीटें थी, ठीक है, और यूपीए ऑब्वियसली हार गया था। क्लियर है कंसेप्ट? आप कभी भी देखना ये फोर, जब पब्लिक इलेक्शन आते हैं ना 2024 में वापस से आएंगे, तो उस वक्त आपने देखना बहुत सारे राज्य एकदम पिन पॉइंट के ऊपर है, तीन चार राज्य ही ऐसे जो पिन पॉइंट पे रहते, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये तीन चार राज्य पिन पॉइंट पे रहते। क्यों? इफ यू टेल द नंबर ऑफ सीट्स इन उत्तर प्रदेश, यू विल सी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलके देर आर 85 सीट्स, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 85 सीट्स सिर्फ उत्तर प्रदेश की है टोटल में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके ऊपर अगर आप राजस्थान वगैरह में जाओ तो राजस्थान यू विल सी 25 प्लस 1 सीट, सब्सटेंशियल नंबर स्टिल, 42 सीट्स वेट बे, हाँ, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, इस बार कितने झगड़े हुए थे उस चीज के लिए स्टेट इलेक्शंस के मिले। अगला महाराष्ट्र 48 सीट्स के साथ में ऊपर है, बिहार 40 सीट्स के साथ में ऊपर है, 26 सीट्स गुजरात में है। सो दिस इज, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये चार पांच स्टेट आप जीत गए ना तो आप इलेक्शन जीत गए। गुजरात के तो सभी सीट्स बीजेपी के थी ही 26, महाराष्ट्र के नियरली मैक्सिमम सीट्स बीजेपी को आने वाले थे क्योंकि बीजेपी स्टेट इलेक्शन में जीता था। उसके जस्ट पहले राजस्थान के स्टेट इलेक्शन में बीजेपी हारा था तो वहां के सीट्स उसको ना मिल पाए, उत्तर प्रदेश में तो खुद मोदी जी लड़ रहे थे तो उसके सीट्स उनको मिल रहे थे। सो दैट्स व्हाई 2019 में 545 में से 355 सीटें बीजेपी की थी, बीजेपी मतलब एनडीए की। ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि एक ही पार्टी के मैक्सिमम सीट्स रहे, क्योंकि आप सोचो अगर 545 सीट्स में से बीजेपी के 200 सीट है, 150 सीट है, कांग्रेस के 150-200 सीट है, बचे हुए पार्टीज के और 200 सीट है, तो जब आप लॉ पास करने जाते हो ना, लॉ पास करने जाते हो ना, तो उस वक्त 272 वोट जमा ही नहीं होते। इमेजिन करो बीजेपी के पास सिर्फ 200 सीट है और बची हुई 70-80 वोट एक्स्ट्रा जो वोट है वो उनको उधार लेने पड़ रहे हैं दूसरे पार्टी से, नहीं हो पाता, पैसे खिलाने पड़ते हैं किसी भी लॉ को पास करने के लिए, बहुत पैसा खाते हैं सब लोग, जहां अटक गए वहां अटक गए। इसलिए देखना इस बार 350 सीट जब बीजेपी के हाथ में आई ना, दनादन लॉ 370 आर्टिकल, बेकार लॉ पास कर लिए, सीएए पास कर लिया, सिटीजनशिप एक्ट पास कर लिया, 370 उड़ा दिया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी घोषित कर दिया, वो कृषि वाले कानून लागू कर दिए थे जिसको रिवोक करना पड़ा, चारों कृषि वाले कानून को, क्यों कर पाए? बिकॉज 355 सीटें जेब में थी, ठीक है, 272 से कई ज्यादा बड़ा नंबर है भाई साहब, कई मतलब 272 ही अप्रूवल के लिए चाहिए, ये तो 350 लेके बैठे हैं। इसलिए एक पार्टी के 272 से ज्यादा सीट होना क्रिएट्स अ गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि वो लॉ पास कर सकते हैं, लॉ पास करने का पावर जिसमें है उसकी गवर्नमेंट है। क्लियर है? ये सिंपल इक्वेशन है लॉ पास करने का। और फिर राज्यसभा में 245 में से 123, इस 245 का भी बायफर्केशन बोलूंगा, इसमें से 233 ये स्टेट इलेक्टेड लोग होते हैं, स्टेट इलेक्टेड लोग मतलब स्टेट में जो एमएलएज बैठते हैं ना, एमएलएज स्टेट के जो एमएलएज होते हैं ना, एमएलएज, वो एमएलएज इन 233 लोगों को सिलेक्ट करते हैं और 12 लोग खुद प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, जो वैसे आदरणीय प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो 12 लोगों को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में से। जैसे सचिन तेंदुलकर इज अ मेंबर ऑफ, वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जावेद अख्तर वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, विजय माल्या वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वही तो राज्यसभा का पावर का यूटिलाइज करके उसने किंगफिशर के लिए टाइमिंग चेंज किए थे, मतलब पीक टाइम पे जो एयर इंडिया बाकी सबके इंडिगो सबके जो पीक टाइम पे एयरलाइन चलते थे ना, विजय माल्या ने सब इधर उधर कर दिए और खुद के किंगफिशर के एयरलाइन उसने पीक टाइम पे लगा दिया, फिर भी लॉस खाया, क्यों? क्योंकि कॉस्टलीस्ट एयरलाइन कंसिडर कर रहा था वो खुद को, ठीक है, दिस इज अ रीजन। तो 12 लोग अलग अलग बॉलीवुड ये वो अलग अलग ये प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते कि चलो भाई आ जाओ, ठीक है। इसमें से भी 233 में से कुछ दो लोग एंग्लो इंडियंस कहा जाता है, एंग्लो इंडियंस जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ लोग थे जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए दो सीटें विस्तारित रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने लोकसभा में 545 में से 272 वोट ले लिए, राज्यसभा में 245 में से 123 वोट ले लिए, तो आपका लॉ पास हो गया। अगर आप स्टेट लॉ में आओ तो स्टेट लॉ का नाम होता है SLA, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहा जाता है विधानसभा, आपके हर एक के स्टेट में होगा एक्सेप्ट यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी में SLA SLC नहीं होता, एंड SLC मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैं इसको सिर्फ काउंसिल ही लिखूंगा,
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज एमएलए, विधायक है, चाचा विधायक है हमारे, इज एमएलए। प्राइम मिनिस्टर बैठता है पार्लियामेंट में, चीफ मिनिस्टर बैठता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। आपका चीफ मिनिस्टर स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, ही विल सिट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पर नरेंद्र मोदी जी, ही विल सिट इन लोकसभा, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सिंपल है, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, यहां एमएससी, यहां एमएलसी। यहां पे भी स्टेट लॉ में मेजोरिटी वोट मिल गए तो आपका स्टेट लॉ बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पूरा पॉलिटिकल। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में आएगा ना तो ऐसे बैठना पप्पा के साथ, बोलना एनडीए यूपीए, फेंकने का इतने नंबर, इतना 272 चाहिए, बम फेंकने का ताकत ताकत से, पप्पा कान के नीचे एक ना बजाए तब तक के जरूर फेंकने का, ठीक है। दोनों जगह पे लॉ पास कर लिया, मेजोरिटी से अप्रूवल आ गया, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिलहाल इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा हुआ बंदा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जेल में गया हुआ बंदा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पर आपको शायद नहीं पता, इंदिरा गांधी जी ने जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी तब ये मोदी जी, अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, अच्छे अच्छे बीजेपी के लीडर जेल में बैठे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैक्सिमम बीजेपी के लीडर जेल में बैठे थे नेशनल इमरजेंसी के वक्त, बट बाद में प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदार भी बने थे सबके सब, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, हाँ ये बोल रहा था मैं, जेल में गया हुआ बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट के दामन में दाग नहीं चाहिए, क्लीन चिट कैरेक्टर चाहिए, एक सखा कैरेक्टर। महाराष्ट्र में अमरावती से मैं बिलोंग करता हूं, अमरावती से एक प्रेसिडेंट है प्रतिभाताई पाटिल जी, अमरावती से प्रेसिडेंट है, मैं उनको जानता हूं पर्सनली, वो मेरे को नहीं जानते बात अलग है, बट मैं जानता हूं ना, है ना। तो प्रतिभाताई पाटिल जी प्रेसिडेंट है, वहां से बिलोंग करता हूं मैं, ठीक है। जब वो प्रेसिडेंट है अमरावती के, अमरावती की बहुत डेवलपमेंट हुई आगे। और यहां आपके स्टेट लॉ में लॉ पास करते वक्त गवर्नर होता है, गवर्नर भगत सिंह गौशाली जी महाराष्ट्र के गवर्नर है, हर एक स्टेट का मुझे याद नहीं, आई एम वेरी सॉरी, काश याद रख सकता, बट भगत सिंह गौशाली जी महाराष्ट्र के गवर्नर है। वो गवर्नर ये ऑथ देता है चीफ मिनिस्टर को कि वो चीफ मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट ऑथ देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, क्लियर है। दोनों जगह लॉ पास करने के बाद में फिर ऑफिशियल गैजेट ओजेड, बट गैजेट का स्पेलिंग GAZZETEE होता है तो फिर भी उसको ओजेड कहते हैं, भारत का राज्यपत्र ऑफिशियल गैजेट, महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र महाराष्ट्र स्टेट का ऑफिशियल गैजेट। इट इज अ मैगजीन जो गवर्नमेंट मंथली रिलीज करता है या फिर डेली भी रिलीज कर सकता है जब वो नए लॉज बनाता है। ऐसा स्ट्रक्चर होगा, उसके नीचे लिखा होगा कि ये लॉ इस दिन से इस एरिया में इतने सेक्शन के साथ अप्लीकेबल होगा। तीन चीजें ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर करता है, कौन से दिन से, कौन से एरिया में कितने नंबर ऑफ सेक्शंस अप्लीकेबल होंगे, कौन से दिन से, कौन से एरिया में कितने नंबर ऑफ सेक्शंस अप्लीकेबल होंगे। दिस इज हाउ द लॉ इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। कंपनीज एक्ट 2013 एग्जांपल चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 12 सितंबर 2013 लिखना है, लिख सकते हो 12 सितंबर 2013 ऑल ओवर इंडिया 98 सेक्शंस के साथ अप्लीकेबल हुआ था। 470 में से सिर्फ 98 सेक्शन अप्लीकेबल हुए थे पूरे इंडिया को, 12 सितंबर 2013 को इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, दिस इज हाउ लॉ इज पास्ड इन इंडिया। एनी लॉ, योर कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, हालांकि वो अंग्रेजों ने पास किए थे इसलिए नहीं, कंपनीज एक्ट, फेमा, सेबीसी करा, कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईडीए, फैक्ट्रीज, मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमैन कंपेंसेशन, एनी गॉडडैम लॉ यू टेक, इट इज पास्ड ओनली थ्रू दिस प्रोसेस। ये छोड़ के इंडिया में प्रोसेस नहीं है। हाँ, कुछ केस में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, उसके केसेस मैंने बता दिए, इमरजेंसी के केसेस में एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये ज्वाइंट सेशन में पास हुए हैं, ठीक है। सर, प्रेसिडेंट लॉ को रिजेक्ट कर सकता है क्या? प्रेसिडेंट लॉ को रिजेक्ट कर सकता है अगर जरूरत पड़े तो, पर एक ही बार प्रेसिडेंट या गवर्नर लॉ को रिजेक्ट कर सकता है विथ रीजंस। बाद में वो लॉ वापस आया पार्लियामेंट ने पास करके तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसे वेटो पावर कहते हैं, वन टाइम सिंगल रिजेक्शन पावर। ये दो स्पेशल पॉइंट याद रखना, जॉइंट सेशन में दो लॉ पास हुए हैं, तीसरा कंसिडर किया गया था बैंकिंग सर्विसेज रेगुलेशन कमीशन बिल, पर वो पास नहीं हुआ, सो दो ही पास हुए, डाउरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस एक्टिविटी, और प्रेसिडेंट का वेटो पावर। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को सिर्फ एक बार रिजेक्ट कर सकता है, वापस से लॉ घूम के पास होकर आया तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। रिजेक्शन के वक्त प्रेसिडेंट को रीजन देना जरूरी है, ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, आई होप सो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मॉनेटरी बिल को प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं लगता, जैसे रेवेन्यू बिल्स जो होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट,
का अमेंडमेंट हर बार का, जीएसटी के, इनके लिए हर बार प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेंगे, प्रेसिडेंट परेशान होगा। जीएसटी में तो इतने अमेंडमेंट है, हर एक को साइन करते प्रेसिडेंट बोलेगा मैं छोड़ रहा जॉब, मेरे को नहीं करना काम, ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट परेशान है, मेरे को और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो समझ में आया क्या, जरूर बोलिएगा। एक पेज लीजिएगा ब्लैंक, दो पार्ट कीजिएगा, एक साइड पूरा सेंट्रल प्रोसेस लिखना, एक साइड पूरा स्टेट प्रोसेस लिखना। ठीक है, समझ में आया, तो दांत अपने दे दीजिएगा ग्रुप में मुझे। ठीक है, और इस चीज को लिख लीजिएगा। आई होप सो कि आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम और पूरी चीजें, लॉ कैसे पास होता है, आज समझ में आई जरूर होगी। कोई क्वेरी है तो जलूल जलूल पूछ सकते हो, आई विल बी रेडी विद द आंसर। अंकित, प्रेसिडेंट जो पहले अप्रूव करता है ना, वो चीज को मैं कल के लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। समझ में आया क्या, जरूर बोलना बच्चों। चलो लिख लिया सबने, नेक्स्ट पेज पे जाऊं। लाइव स्ट्रीम वालों, तुमको समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को स्टॉप नहीं कर सकता, बट पार्लियामेंट को ऑर्डर कर सकता है टू रीड्राफ्ट द सेम और उसको खत्म करे। हो जाए तो हाँ बोल दीजिएगा, डन बोल दीजिएगा। इनपुट फ्रॉम पब्लिक मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है, और उनके कनेक्टेड कंसर्न्स जो है, उनसे इनपुट लेना कि लॉ कैसा बना है आफ्टर रीडिंग।
लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज। चलो डन एवरीबॉडी। तीन चार लोगों का हो गया है, बाकी भी कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। एंग्लो इंडियन में कौन आता है? तो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल है, जाति प्रजाति वाले वो आते हैं। उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, यू कैन सर्च देम ऑन गूगल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है बेटा एंड एग्जाम के लिए बहुत सही चीज़ भी नहीं है वो, सो यू कैन जस्ट इग्नोर दैट, या फिर आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिए, यू विल कम टू नो। बहुत बढ़िया, सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वो लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा एंड रेफर भी कीजिएगा दूसरों को, और आप लेक्चर परचेस कर सकते हो wowclass.com से। थैंक यू सो मच। कुछ PDF डेमो नोट्स हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड करके रखे हैं। लाइव स्ट्रीम के बच्चों के सभी क्वेरीज का मैंने आंसर दिया होगा जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी लिए है, आई होप सो। एंड आज के लेक्चर में आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें पता चली होगी। ये सभी बेसिक चीज़ें मैं फाउंडेशन और इंटर के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ाए बगैर और कल के हाफ लेक्चर में, नेक्स्ट हाफ लेक्चर में मैं जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वो चीज़ें पढ़ाए बगैर लॉ पढ़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, आई डोंट नो इसके पहले आपने पढ़ाया नहीं पढ़ा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को ट्राई किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दस बना दिया, अलविदा। मिलता है कल शाम को 5:30 बजे। थैंक यू।